जी अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लास्ट जो हम बना रहे थे वेदर एप्लीकेशन बना रहे थे अलेक्सा पे, तो कोई ऐसा है जिससे वो बन गया हो वेदर एप्लीकेशन? जी जी सलील, आपने ट्राई किया था बनाने के लिए? जी हमने बना लिया था हमजा भाई और जिया भाई की मदद से। तो क्या बात है यार, वेल डन, जबरदस्त। अच्छा, तो उनको अगर आप अपनी उनको स्क्रीन इट्स शेयर इट्स करके ऑल ऑन दिखाएं। देम। मेरे मेरे मतलब दे हेल्प मी अ लॉट, अदरवाइज शायद नहीं होता। अच्छा, तो प्लीज अपनी अगर स्क्रीन शेयर करके आप दिखाना चाहें तो बहुत रहेगा। सही है, एक मिनट मैं बस वो ये खोल रहा हूँ, क्या टैब्स खोल रहा हूँ, एक मिनट दे दो। सही, शेयरिंग स्क्रीन, नजर आने में बता दीजिएगा। जी, आपकी स्क्रीन आ चुकी सही, सो ये वेदर ऐप, स्टार्ट बाय द बॉडी, Welcome. You can say hello or help. Which would you like to try? Hello. I can tell you the current weather. What's your location? Vancouver. What city's weather would you like to know? Vancouver. ये यहाँ पे फट गया, लेकिन आई एम जस्ट गोना रीस्टार्ट दैट। I can tell you with the weather for any city. What city are you interested in? Tell me the weather for Karachi. The current temperature in Karachi is 24 and 24.5. The wind is blowing from WSW at 6.8 kilometers per hour and the humidity is 34. अच्छा, ये मैं आपको बताऊं क्यों हुआ है, आप जरा बिल्ड वाले टैब में जाएं, बताता हूं मैं एक बार। सही। इंटेंट खोलकर मुझे अटरेंसेस दिखाएं जो आपने लिखी है। अच्छा एक मिनट, गेट वेदर इंटेंट, आप नीचे जरा प्रॉम्प्ट वाले पे जाएं, जहां पे आपने प्रॉम्प्ट पूछा हुआ है ना। सही, एक मिनट, प्रॉम्प्ट, एडिट डायलॉग्स, स्क्रॉल डाउन एडिट करें, डायलॉग। अच्छा ये मतलब आप स्लॉट की बात कर रहे हो? स्लॉट की बात करूं। अच्छा आपने प्रॉम्प्ट कहा तो इसके लिए मैं कंफ्यूज हो अच्छा, गया, और बट स्ट्रॉन्ग, हाँ ये प्रॉम्प्ट आ गया ना अंदर, लिखा हाँ हुआ तो है आपने, सिर्फ सिटी नेम तो लिखा हुआ है, इसने पिक क्यों नहीं किया? हाँ ये मुझे पता है, लेकिन ये कभी कभी सही नहीं चल रहा है। ओ अच्छा, एक बार इसको जरा बिल्ड करके दोबारा टेस्ट कीजिएगा, चलना तो चाहिए उसको, क्योंकि काम बिल्कुल सही किया हुआ है आपने। ये मेरी खुद की ओपिनियन है, आप ज्यादा जानते होंगे, आपने दोनों पे काम किया है, लेकिन मैंने ये एज अ यूजर गूगल होम और अलेक्सा को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि गूगल का जो भी एआई का मॉडल है ना, वो थोड़ा स्मार्टर है। एक बार जरा इंटेंट में जाइएगा, मुझे एक चीज और यहाँ पे देखनी है, उसका भी जी प्रॉब्लम है। जरूर, गेट वेदर इंटेंट पे क्लिक करना, जी, इसमें नीचे डेलीगेट वाली जगह पर आइएगा, फॉल बैक टू सही, सेटिंग। यार सही है बिल्कुल, ये भी सही है। अच्छा, ये वाली चीज। अभी ये हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा अब वापस से टेस्ट करते हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्ड तो हो गया। हाँ, बिल्कुल। स्टार्ट वेदर बॉडी,
Welcome. You can say hello or help. Which would you like to try? What's the weather in Vancouver? The current temperature in Vancouver is 5 and a 4.2. The wind is flowing from SE at 6.8 kilometers per hour and the humidity is 93. लास्ट टाइम आपने जस्ट वैंकूवर कहा था, जरा दोबारा टेस्ट कीजिएगा, जस्ट वैंकूवर बोल के टेस्ट कीजिएगा। पेरिस, नो कंटेंट, टाइप करता हूँ पेरिस। आई कैन टेल यू विद द करंट वेदर, वुड यू लाइक? भाई पेरिस सिटी है, बता दो। ये टूट जा रहा है, देखो। ये तो पता नहीं क्या हुआ, इसको रिफ्रेश करके जरा दोबारा से ना, जैसे आपने पहले किया था कि पहले आपने कहा व्हाट्स द वेदर एंड देन आपने कहा था वैंकूवर, उस तरह से इसको चलना चाहिए था। सही, मैं एक बार बस ये चेक कर लेता कि इंटेंट में मैंने इस एडिट डायलॉग में मैंने सिटी नेम, सिर्फ सिटी नेम दिया है क्या? हां सिर्फ सिटी नेम भी तो दिया हुआ है, देखो मैं यही तो देखना चाह रहा था, ये बिल्कुल सही किया हुआ है आपने काम सारा यहां पे। ये तो हो गया सही है, इसका नाम क्या? स्टार्ट वेदर वरी। वेलकम, यू कैन से हेलो और हेल्प, व्हिच वुड यू लाइक टू ट्राई? टेल मी द टेंपरेचर इन पेरिस। द करंट टेंपरेचर इन पेरिस इज 10 एंड इट फील्स लाइक 7। द विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम SSW एट 28.1 किलोमीटर्स पर आवर एंड द ह्यूमिडिटी इज 50। व्हाट्स द वेदर इन न्यूयॉर्क? I can tell you with the current weather. Would you like to tell me a city name? New York. ये देखो ये वापस से टूट गई। जस्ट सिटी का नेम अगर बोलते हैं इसको तो ये ब्रेक हो जाता है, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। अच्छा ये हो सकता है, एक मिनट, कि मैंने यहाँ पे सिटी नेम दिया और गेट वेदर में भी सिटी नेम शायद दिया है। तो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार जब वो इंटेंट के अंदर आप दाखिल हो जाते हैं तो फिर वो प्रॉम्प्ट वाली जगह को देख रहा होता है। ये तो जो शुरू के एंट्रेंसेस है ना, ये इसलिए होते हैं कि ये इंटेंट इनिशिएट होता है इस इन चीजों के। जी जी, मैं यही सोच रहा था कि मतलब कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर डायरेक्ट बाहर से आके कोई कहता है कि वेदर बड़ी टेल मी व्हाट्स द वेदर इन अलेक्सा आस्क वेदर बड़ी व्हाट्स द वेदर इन सिटी नेम, तो यहां से लाइक हिट होगा। लेकिन अगर वो सवाल चलता है कि व्हाट सिटीज थिंग यू वांट, देन इट इज इन द सिटी नेम का स्लॉट, राइट? करेक्ट। तो अब क्या हुआ कि वो इस स्लॉट से, मैंने उसको सिटी नेम तो दिया लेकिन वो नहीं लेके आया, और amazon.city है, सो ये तो नॉर्थ अमेरिकन सिटी थी न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क को न्यूयॉर्क ही कहते हैं, न्यूयॉर्क को कोई न्यूयॉर्क सिटी नहीं कहता। हाँ। अच्छा चलें, आपने तो बड़ा जबरदस्त किया। अच्छा कोई और है जिससे हो गया हो? प्लीज जरा एक दो बंदे हाथ खड़ा कर दें। सबका हम देख तो नहीं पाएंगे यहाँ पे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, हमें आज का कॉन्टेंट भी कवर करना है, बट कोई है ऐसा और जिससे हो पाया हो? अच्छा हमजा फारूक से भी हो गया, वेल डन यार हमजा फारूक, जबरदस्त। अच्छा मैं अब अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, ओ, ये कुछ गड़बड़ हुई है। अच्छा अच्छा मेरी स्क्रीन आप सब लोगों को होपफुली नजर आना शुरू हो गई होगी। जी सर। अलेक्सा स्किल किट एंड क्लिक एंड कंसोल। अच्छा जी, और अलेक्सा डेमो क्लास।
अच्छा जी। अच्छा मैं जरा सा रिवाइज कर देता हूँ कि लास्ट क्लास तक हमने क्या चीजें पढ़ ली थी और आज हम फिर क्या पढ़ने जा रहे हैं उसके बाद हम शुरू करेंगे। हमने एक ऐसा इंटेंट बना लिया था जिसमें हम यूजर से कुछ इनपुट भी ले रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो हमने इंटेंट बनाया था वो तो जस्ट ये होता था कि पूछते थे यार कि व्हाट इज योर नेम, वो सामने से नाम बता देता था। बट इस बार हमने एक ऐसा इंटेंट बना लिया था लास्ट क्लास में जिससे हम जब पूछते थे कि व्हाट्स द वेदर, तो वो मुझसे एक पलट के एक सवाल भी पूछता था, ठीक है, कि आपके सिटी का नाम क्या है जिसका मुझे वेदर बताना है आपको। अच्छा, तो हमारे केस में एक इनपुट हम यूजर से ले रहे हैं सिटी नेम, ठीक है, दो इनपुट भी हो सकते हैं, तीन इनपुट भी हो सकते हैं, चार इनपुट भी हो सकते हैं, ठीक है, आप जितने सारे इनपुट की आपको जरूरत है वो सारे इनपुट आप ले सकते हैं। अच्छा, तो आज हम उसी चीज को रिवाइज करते हुए एक ऐसा इंटेंट बनाते हैं जिसमें हम एटलीस्ट तीन इनपुट ले रहे हो, राइट, एटलीस्ट हम तीन इनपुट ले रहे होंगे, ठीक है, एक ऐसा इंटेंट बना। एक सवाल आगे जाने से बढ़ने से पहले मुझे किसी ने पूछा था कि रीप्रॉम्प्ट क्या है, और मैंने, मेरी समझ में रीप्रॉम्प्ट वो चीज है कि अगर अलेक्सा को मैं जो चीज नहीं कह रहा हूँ, इंटेंट उसको नहीं समझ में आता, तो वो रीप्रॉम्प्ट की चीज कहता है, सही है गलत है? जी आपने बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन ये मजीद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ये अभी दरमियान में ना ये चीज आ जाएगी, राइट, ओके अभी क्योंकि हमारा अभी एक इंटेंट है, हम जैसे ही, बल्कि पहले यही डिस्कस कर लेते हैं यार, आपने अच्छा याद दिला दिया मुझे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि रीप्रॉम्प्ट क्या चीज है। अच्छा, तो रीप्रॉम्प्ट अभी तक हमारे ना टोटल तीन इंटेंट है, नंबर एक व्हाट इज योर नेम, नंबर टू व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस, और नंबर थ्री वेदर इंटेंट, ठीक है, हमारे पास एक ही एलेक्सा की इसके लिए जिसमें तीन टोटल इंटेंट है हमारे पास। अच्छा, तो मैं कोडिंग ओपन कर लेता हूँ और मैं सबसे पहला इंटेंट जो नेम इंटेंट है ना उसके कोड में आ जाता हूँ, राइट जी। अच्छा, नेम इंटेंट ये आ गया जी जनाब, मेरा नेम इंटेंट। अब सर काइंडली जूम तो कर दें, जूम कर, स्क्रीन को जूम कर दूं? जी सर, कुछ बेहतर है? आप मोबाइल फोन से हैं या कंप्यूटर? लैपटॉप से सर, लैपटॉप से। अच्छा, तो जी प्लीज बताइएगा कि अभी जो जूम है वो सही है। ओके सर, ठीक है, ठीक है, प्लीज मुझे बता दिया करें किसी भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो ना, मुझे बता दिया करें। अच्छा, श्योर सर। हमने क्या किया, नेम इंटेंट का एक रिप्लाई यहां से हमने सेट करके भेजा था, राइट। अच्छा, साथ में हमने एक रीप्रॉम्प्ट भी भेजा है, एक रीप्रॉम्प्ट भी भेजा है हमने। रीप्रॉम्प्ट भेजने का मतलब ये होता है कि आप जो है ना स्किल को बंद नहीं करना चाहते। अच्छा, ये चीज हमें जो स्किल को टेस्ट कर रहे होते हैं ना, यहाँ पे इस जगह पे ये चीज समझ में नहीं आती, तो मैं इस स्किल को ओपन करता हूँ अपनी मोबाइल ऐप में, राइट, अपनी मोबाइल ऐप में मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, तो मतलब टेस्टिंग में वो रीप्रॉम्प्ट नहीं करता? टेस्टिंग में वो, असल में इनका सिमुलेटर ऐसा है ना कि वो चीज टेस्ट नहीं हो पाती, काम तो वो कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो टेस्ट नहीं हो पाती। मैं आपको सिमुलेटर पे भी बताऊंगा, यानी टेस्ट वाले जगह पे, कि वो किस तरह से वहां पे आप उस चीज को सेंस कर सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा समझ आएगा आपको यहाँ पे ना, इस स्क्रीन पे ज्यादा अच्छा आपको समझ आएगा। अच्छा, क्योंकि हमने सिमुलेटर में कोशिश करने की थी कि उसको समझना है, लेकिन वो रीप्रॉम्प्ट नहीं कर रहा था, तो हम कंफ्यूज हो गए कि हमारी समझ सही थी गलत थी। अच्छा, मैं बैकग्राउंड इसका हटा रहा हूं ताकि जो है ना आपको ये मेरी स्क्रीन प्रॉपरली नजर आए, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं। अच्छा, तो ये मैंने अलेक्सा की ऐप ओपन कर ली है अपने पास। अच्छा, ये अलेक्सा की जो ऐप है, अच्छा ये देखें, अलेक्सा बोला ना तो ये जाग भी जाता है इससे। अच्छा, इसका जो लोगो है, मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा दूं। अच्छा, ये कुछ इस तरह का लोगो है इसका, अगर आपको मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा हो तो, ये अलेक्सा का लोगो है, ठीक है। अच्छा, और मैं इस ऐप को ओपन करूंगा जैसे ही, तो ये इस तरह की ऐप ओपन हो जाती है। अच्छा, ये जो है ना ऐप जो है,
ये बिल्कुल डिवाइस की तरह काम करती है, जैसे अलेक्सा की डिवाइस काम करती है, बिल्कुल सेम उसी तरह से ये काम कर रही होती है। ठीक है, अच्छा तो मैं इसको अलेक्सा बोलूंगा तो ये देखें जाग गई। व्हाट्स द वेदर? Weather is 75 degrees Fahrenheit with clear skies. Tonight's forecast calls for more of the same, with a low of 62 degrees. Alexa, tell me something about today. Ah, you are a computer scientist. Everyone knows that. Yeah, Alexa. अच्छा, अलेक्सा को पता है भाई कि मैं एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ। ये पता नहीं इसको कैसे पता चला, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, इससे कुछ और पूछते हैं। अलेक्सा, अलेक्सा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? अलेक्सा, Who is the president of Pakistan? The current president of Pakistan is Arif Alvi. अच्छा, तो ये अलेक्सा की पूरी डिवाइस है, ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो हम यहाँ पे ऐप बना रहे होते हैं, जब हम टेस्टिंग को इनेबल करते हैं ना, यहाँ पे ये टेस्ट वाले, जब कंसोल पे मैं जाता हूँ और टेस्टिंग को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इनेबल कर देता हूँ शुरू में, क्योंकि ये डिसेबल होती है टेस्टिंग। खुल जा भाई। अच्छा, ये शुरू में यहाँ पे ऑफ हुई भी होती है, राइट? जब मैं इसको जैसे ही इनेबल करता हूं, तो जितनी भी डिवाइसेस मेरी इस ईमेल से लॉग इन है, उन सारी डिवाइसेस पे ये स्किल भी अवेलेबल हो जाती है, राइट? अच्छा, तो मैं अब इस वाली स्किल से जो मैंने बनाई थी क्लास के दौरान, उसको यहां पे चलाने की कोशिश करता हूं। अलेक्सा, ओपन इंजमाम मलिक। Hello and welcome. I am virtual version of Mr. Inzamam Malik. What would you like to ask? I can tell you his name and work experience. अच्छा, आपने नोटिस किया कि ये बताने के बाद ना इसने माइक ओपन कर दिया, ठीक है? What is your name? My name is Muhammad Inzamam Malik. My friends call me Malik. Would you like to know my work experience? दूसरे सवाल के बाद भी इसने माइक ओपन कर दिया। यस प्लीज टेल मी अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन वेब टेक्नोलॉजीज इन 2012। लेटर आई मूव्ड टू आवर चैटबॉट्स एंड वॉइस एप्स इन लेट 2015। दीस डेज आई एम वन ऑफ द एक्सपर्ट्स इन वॉइस एप्स। अब नोट कीजिए, इसने वर्क एक्सपीरियंस बताने के बाद माइक्रोफोन ओपन नहीं किया और एग्जिट हो गई स्किल। ठीक है, ये स्किल एग्जिट हो चुकी है। अब मैं अगर इसको बोलूंगा ना कि टेल मी वेदर या व्हाट इज योर नेम, तो इसको समझ में नहीं आएगा। अलेक्सा, व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस? वर्क एक्सपीरियंस इज यूजुअली डिफाइंड एज अ शॉर्ट अनपेड पीरियड ऑफ टाइम एट अ वर्कप्लेस टू गेन एक्सपीरियंस ऑफ अ वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अब जब मैंने इससे पूछा ना वर्क एक्सपीरियंस, तो इस पॉइंट पे आके मेरी स्किल एग्जिट हो चुकी है। ठीक है, अगर सामने किसी के अलेक्सा की डिवाइस रखी हुई होगी और वो इससे बातें कर रहा होगा, तो ये वाला जो आंसर है ना, ये जो आंसर अभी इसमें आया है वर्क एक्सपीरियंस वाला, ये बताने के बाद स्किल मेरी एग्जिट हो गई, राइट? अच्छा, ये क्यों हुआ ऐसा? ये ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि इसमें मैंने रीप्रॉम्प्ट को नहीं भेजा है। इससे पहले देखें, लाउंच इंटेंट जो सबसे पहले चला था, उसमें मैंने रीप्रॉम्प्ट में वही चीज भेजी है जो कहां पे भेजी है मैंने, स्पीक आउट में, जो बोलना है वही रीप्रॉम्प्ट करना है। ठीक है, तो जब भी रीप्रॉम्प्ट, क्या होता है कि जब भी आप रीप्रॉम्प्ट भेजेंगे, ठीक है, ये नंबर एक चीज बता रहा हूं मैं रीप्रॉम्प्ट की, जब भी आप रीप्रॉम्प्ट भेजेंगे तो वो वाले इंटेंट के बाद ना माइक ओपन हो जाएगा खुद से, और वो ऐसे ऐसे ना इनपुट लेना शुरू कर देगा आपसे। ठीक है, और आप कुछ, वो चाहेगा कि आप कुछ बोलें। अच्छा, दूसरे में भी मैंने रीप्रॉम्प्ट भेजा है, और मैंने तीसरे वाले में रीप्रॉम्प्ट नहीं भेजा। इसका मतलब ये है कि ये जवाब देने के बाद मेरी स्किल एग्जिट हो जाएगी, वो माइक्रोफोन ओपन नहीं रखेगी, वो कोई मेरा इनपुट एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी। ठीक है, नंबर एक तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए आपको। अच्छा, नंबर दो बात के देखें, नंबर दो बात ना, मैं अलेक्सा की पॉलिसी से रिलेटेड बता रहा हूं। अलेक्सा वाले ये कहते हैं कि आपकी स्किल के
चलने के दौरान अगर आप यूजर से कोई सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, अगर आपने यूजर से कोई सवाल पूछा है, मिसाल के तौर पे बंदा आता है, बंदा कहता है भाई व्हाट्स द वेदर, ठीक है, तो आप सामने से आप एक सवाल पूछ रहे हैं ना अलेक्सा के जरिए कि भाई प्लीज टेल मी योर सिटी नेम, तो ऐसी सूरत में आपको अपना माइक ओपन रखना है ताकि वो सामने से बोल सके। अच्छा, और ऐसी सूरत में कि जब आप यूजर से कोई सवाल नहीं पूछ रहे हो तो आपको अपना माइक ओपन नहीं रखना है। अच्छा, तो ये वो पॉलिसी है, अगर आपने इसको वायलेट किया तो ये आपकी स्किल को अप्रूव नहीं करेंगे, ठीक है, इस पॉलिसी को आपने वायलेट नहीं करना। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा जो लाउंज रिक्वेस्ट है, यानी जैसे ही स्किल ओपन होती है तो ये जो बात बोली जाती है, तो मैं ये देखूंगा कि क्या मैं इसमें कोई सवाल पूछ रहा हूँ इससे। अच्छा, पढ़ते हैं, हेलो एंड वेलकम, आई एम वर्चुअल वर्जन ऑफ मिस्टर इंजमाम, ठीक है जी, और व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क, कैन आई कैन टेल यू हिज नेम वर्क एक्सपीरियंस। अच्छा, तो ये मैंने असल में सामने से एक सवाल पूछा है, तो इस सूरत में मेरे लिए रीप्रॉम्प्ट भेजना लाजमी है। अगर मैं यहाँ पे रीप्रॉम्प्ट नहीं भेजूंगा मेरी स्किल अप्रूव नहीं होगी, अप्रूव क्या होगी, वो चलेगी नहीं, वो पहली दफा में एग्जिट हो जाएगा। अच्छा, सवाल भेजा है, मुझे यहाँ पे रीप्रॉम्प्ट भेजना लाजमी है। अच्छा, अब बंदे ने पूछा कि भाई व्हाट इज योर नेम, मिसाल के तौर पे इसमें मैं क्या पूछ रहा हूं, माई नेम इज मोहम्मद इंजमाम मलिक, माई फ्रेंड्स कॉल मी मलिक, वुड यू लाइक टू नो अबाउट माई वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, वुड यू लाइक टू नो अबाउट माई वर्क एक्सपीरियंस क्वेश्चन मार्क। तो ये भी मैं क्या पूछ रहा हूं, असल में असल बात का जवाब देने के बाद मैं एक अदद क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, एक अदद मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो इस सूरत में भी मुझे रीप्रॉम्प्ट देना जरूरी है। अगर मैंने रीप्रॉम्प्ट नहीं दिया तो वो क्या बोलेगा, ये लाइन बोलने के बाद माइक को बंद कर देगा, ठीक है, और यूजर कुछ बोलेगा तो उसको सुनाई नहीं देगा, ठीक है, तो इस सूरत में भी मेरे लिए रीप्रॉम्प्ट भेजना लाजमी है, अगर मैं रीप्रॉम्प्ट नहीं भेजूंगा मेरी स्किल अप्रूव नहीं होगी। नंबर तीन, वर्क एक्सपीरियंस, अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस, तो मैं कहता हूं कि आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन वेब टेक्नोलॉजीज और ब्ला ब्ला ब्ला, और आखिर में क्या मैं उससे ये पूछ रहा हूं, आखिर में क्या मैं कोई सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, जब आप मल्टी लाइन पे लिखते हैं ना तो आपको क्या होता है, आपको इसको बैकटिक में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, मैंने इस वाले इंटेंट का जो आंसर किया था उसमें मजीद कोई सवाल मैंने नहीं पूछा, ठीक है, तो यहां पे मेरे लिए जरूरी है कि मैं रीप्रॉम्प्ट नहीं भेज सकता, अगर मैंने रीप्रॉम्प्ट भेजा यहाँ पे मेरी स्किल अप्रूव नहीं होगी, ठीक है, ये बात सर, अगर ये तो समझ में आ गया सर, वो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो पीछे गुजरा है तो भी ठीक है। हाँ, दोबारा आम तौर पे लोग करते ये हैं कि लास्ट में ना कोई सवाल छोड़ देते हैं, वुड यू लाइक टू नो एनीथिंग एल्स, ठीक है, ये मैंने सवाल छोड़ दिया ना आखिर में, अब मेरे लिए रीप्रॉम्प्ट भेजना लाजमी हो गया, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि ये क्या नाम है, एक्सपीरियंस बताने के बाद हम दोबारा इसको ऑप्शन दे दें कि क्या आप नाम पूछना चाहते हैं, अगरचे नाम बता दिया गया है, या इस तरह की चीज़ों में हमने तीन इंटेंट्स बनाए हैं, अब तीसरा इंटेंट्स पे उसको वापस पहले पर भेज दें सवाल करके। हाँ, ऐसा कर लें, ये जो तीन इंटेंट है ना इसके लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले ये कॉल होगा फिर ये कॉल होगा, ठीक है, यूजर रैंडमली कोई भी बात पूछेगा वो उसको जवाब मिलेगा, राइट। यूजर रैंडमली कोई भी बात पूछेगा, मिसाल के तौर पे यूजर बार बार नाम पूछ रहा है, बार बार नाम पूछ रहा है, उसको बार बार नाम बताता रहेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यूजर बार बार वर्क एक्सपीरियंस पूछ रहा है, वो बार बार उसको बताएगा, ठीक है। फिर यूजर ने पहले वर्क एक्सपीरियंस पूछ लिया, फिर नाम पूछ लिया, फिर वेदर पूछ लिया, फिर दोबारा नाम पूछ लिया, तो वो बताता रहेगा, कोई मसला नहीं है। इसको आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं अपने पास, अगर आपको कुछ उसमें जी वो टेस्ट किया था मैंने, ओके चल रहा था, लेकिन इसमें यानी लास्ट इंटेंट के बाद हमें माइक ऑफ रखना जरूरी तो नहीं है? नहीं नहीं, लास्ट इंटेंट की बात नहीं है ये, मैंने जैसे कि बताया कि अगर आपका जो रिस्पांस है अगर उसमें कोई सवाल आपने पूछा है ना यूजर से, तो फिर आपको माइक ऑन रखना जरूरी है, ठीक है, वो लास्ट हो या पहला हो या कोई भी हो ये डिपेंड नहीं करता।
ठीक है, अगर आपने कोई सवाल छोड़ा है ना उसके अंदर, तो फिर आपको माइक ओपन रखना पड़ेगा और उसके अंदर रीप्रॉम्प्ट भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दूसरी बात, ये समझ में आ गई, एक बात हमने पहले की थी, ये सेकंड हमने बात की है रीप्रॉम्प्ट को लेकर, ये बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब हम करते हैं तीसरी बात, नंबर थ्री बात, कि रीप्रॉम्प्ट का बिहेवियर क्या होता है। एक तो बिहेवियर सबसे पहला हमने ये देखा कि रीप्रॉम्प्ट को भेजने से माइक ओपन रहता है, ठीक है। अच्छा, बिहेवियर में एक ये भी होता है इसका बिहेवियर, कि अगर ये बात बोली है ना आपने, सही है, आखिर में आपने एक सवाल पूछा है, छोटा सा सवाल पूछा है आपने एक आखिर में, अगर बंदा 8 सेकंड तक अगर बंदा इस बात का जवाब नहीं देता है और माइक ओपन है, माइक ऐसे ऐसे सुन रहा है, ठीक है, और इस बात का जवाब उसको यूजर से नहीं मिलता अगर 8 सेकंड के अंदर, तो ये रीप्रॉम्प्ट वाला जो जुमला है ना, ये अलेक्सा आपको बोल के सुनाएगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी इस इंटेंट को मैं चेक करता हूँ, डिप्लॉय कर दिया मैंने, डिप्लॉय करने से क्या हुआ मेरे फोन ये लास्ट पार्ट जरा रिपीट करना प्लीज, सॉरी, ये मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, मैं करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये मैंने अलेक्सा की ऐप को दोबारा खोला। अच्छा, अलेक्सा की ऐप के हवाले से बताता चलूं, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जो भी लोग पाकिस्तान से ये ज्वाइन किया हुआ है हमें, जिन लोगों ने, वो अगर आईफोन पे हैं तो वो अपना रीजन चेंज कर लें, यूएस कर लें, ठीक है, तो आपको ये ऐप स्टोर पे नजर आना शुरू हो जाएगी। अगर आप एंड्रॉयड पे हैं तो आप एपीके मिरर और इस तरह के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से उसका एपीके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर मिल जाए एपीके तो वो ग्रुप में शेयर भी कर दे, ताकि सब लोग उसी एपीके को डाउनलोड कर लें, राइट। सर मैंने वीपीएन से किया, VPN से कर दिया, तो वो APK शेयर किया कि, मतलब APK डाउनलोड करके किया या प्ले स्टोर से किया? प्ले स्टोर से किया, उससे VPN, Melon VPN डाउनलोड किया था, फिर प्ले स्टोर से किया था। अच्छा, तो फिर एक काम करो, तुम ना छोटी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर देना और वो ग्रुप में डाल देना कि भाई कैसे करके जो है ना इसको डाउनलोड किया जा सकता है पाकिस्तान में रहते हुए, ठीक है। क्योंकि सर्च करोगे ना नॉर्मली एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पे तो ये आपको शो ही नहीं होगा, उसके अगेंस्ट मतलब दूसरी जो है ना मतलब अनऑफिशियल एप्स आपको नजर आ रही होंगी, वो ऐसी ही बेकार। अच्छा, तो मैंने कहा अलेक्सा टॉक टू इंजमाम मलिक, और टॉक टू बोलने से ना ये कॉल मिला देता है। अलेक्सा ओपन इंजमाम मलिक। Hello and welcome. I am virtual version of Mr. Dot Inzamam Malik. What would you like to ask? I can tell you his name and work experience. Please tell me about his work experience. Sorry, I don't know about that. Huh? Please try again. Tell me about work experience. I started working on web technologies in 2012. Later on moved to iChatbots and voice apps in late 2015. These days I am one of the experts in voice apps. Would you like to know anything else? I am waiting for your response, my friend. You can ask me my name. सर मेरा क्वेश्चन था। अच्छा, एक मिनट में एक्सप्लेन कर दूं। जैसे ही मैंने पूछा कि व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस, उसने जो है क्या किया, ये वाला पूरा जवाब मुझे बोल के बताया, ठीक है। और वुड यू लाइक टू नो एनीथिंग, ये वाले बात करने के बाद ना उसने माइक को ओपन कर दिया और 8 सेकंड तक मेरे जवाब का इंतजार किया उसने, ठीक है। मैंने 8 सेकंड तक कोई जवाब नहीं दिया तो उसने ना ये वाली लाइन बोली एक बार कि आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स माई फ्रेंड, तो रीप्रॉम्प्ट का ये बिहेवियर भी हमने समझ लिया। अच्छा, ये लाइन बोलने के बाद उसने मजीद 4-5 सेकंड या 6 सेकंड इंतजार किया, और अगर जब भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो मेरी स्किल से वो एग्जिट हो गया, राइट। तो इसका बिहेवियर सब लोगों को समझ आ गया, तीन बातें हमने सीखी है रीप्रॉम्प्ट के हवाले से, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। जी, अब अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे हम इन्होंने सवाल पूछा, अगर हम इसका कुछ गलत जवाब दें तो तब भी ये रीप्रॉम्प्ट चलेगा? नहीं, गलत जवाब के केस में देखो, असल में ना ये रीप्रॉम्प्ट हम जब भेजते हैं, जब किसी भी इंटेंट का फाइनल रिस्पांस जब भेज रहे होते हैं ना हम, जब ये रीप्रॉम्प्ट भेजते हैं, सही है, जब फाइनल हम भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो रीप्रॉम्प्ट में मिसाल के तौर पर
या किसी इंटेंट के, अभी आगे चल के हम देखेंगे इंटेंट के मिडल में भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, जब हम स्लॉट फिलिंग कर रहे होंगे ना कोडिंग के जरिए स्लॉट फिलिंग कर रहे होंगे, तो हम बीच में भी इस्तेमाल करेंगे। तो अगर रीप्रॉम्प्ट में इसने मुझसे पूछा ना सिटी का नाम, ठीक है, इमेजिन करो कि मैंने कहा व्हाट्स द वेदर, अब उसने माइक ओपन करके मुझसे पूछा है कि भाई प्लीज टेल मी सिटी नेम, अब वो सिटी नेम बोलने के बजाय मैं कोई गलत जवाब देता हूं अगर, और मैं कोई दूसरी बात पूछ लूं, ठीक है, मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, मैंने ये पूछ लिया, तो वो क्या करेगा, वो पूरे वेदर के इंटेंट को छोड़ के ना व्हाट इज योर नेम पे मूव कर जाएगा, समझ रहे हो बात? जी सर। तो गलत जवाब डिपेंड करता है कि अगर गलत जवाब ये वाला है ना कि कोई दूसरा इंटेंट उससे मैच कर रहा है, तो वो तो पूरा वहां पे मूव कर जाएगा, इसको छोड़ देगा, ठीक है। गलत जवाब, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, अगर गलत जवाब ये हो कि यू नो लाइक फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन वुड यू लाइक टू नो एनीथिंग एल्स, यूजर कम्स एंड सेज आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, तो ये तो किसी इंटेंट के साथ मैच नहीं होता, तो क्या होगा? अब वो कॉल बैक इंटेंट में चला जाएगा। अच्छा, ओके ओके, ये क्योंकि ये फाइनल रिस्पांस है इस इंटेंट का, ये फाइनल रिस्पांस है। ओके, so essentially reprompt तब चलता है जब कोई कुछ कहता नहीं है उस intent का, अगर intent पे अगर mic खुल रहा है और कोई कुछ नहीं कहता 8 सेकंड के लिए तो reprompt चलता है, सही? ये बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, reprompt के हवाले से मैं एक बात और बता दूं, ठीक है, एक बात ये ethical बात है थोड़ी ना। अच्छा, ethical बात क्या है, आम तौर पे ना मेरे पास जो clients आते हैं, ठीक है, पाकिस्तानी वो क्या गोरे ही ज्यादा आते हैं, और ये उन्हीं की हरकत बता रहा हूँ आपको ना, वो कहते हैं कि भाई एक बार जब मेरी स्किल में एंटर हो जाए ना बंदा, तो वो मेरी स्किल से कभी भी एग्जिट ना हो, ठीक है, वो ये कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी ट्रैवल के बंदे के लिए एलेक्सा की स्किल बना रहा हूँ, अब वो कहता है कि भाई मेरे ना स्किल के अंदर 6 ऑप्शन हैं टोटल, फ्लाइट की बुकिंग होती है, फ्लाइट का स्टेटस चेक होता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन होती है, टैक्सी वैक्सी, ये इसके ऑप्शन है, तो टोटल 6 ऑप्शन है उसके अंदर। वो बोलता है कि भाई अगर मेरी स्किल में एक बारी बंदा दाखिल हो जाए ना, बंदा बोल दे कि भाई टॉक टू फला फला स्किल, जो भी उसकी स्किल का नाम है, नाम नहीं लूंगा मैं यहाँ पे, तो वो उससे ना बाहर ना निकले, एग्जिट ना हो, हर रिस्पांस के बाद ना, हर रिस्पांस के बाद वो कहता है कि भाई आप ना रेंडमली कोई एक क्वेश्चन छोड़ो उसके लिए, ठीक है, ताकि वो कभी भी बाहर ना आ पाए, स्किल ऑटोमेटिकली कभी भी एग्जिट ना हो, ठीक है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ, और जो जैसा कि डॉक्यूमेंट्स में भी इन्होंने रेकमेंडेशंस जो दी हुई हैं, ये ना सही तरीका नहीं है। मिसाल के तौर पे मेरे पास अभी 3 इंटेंट है, अब मैं क्या करूं तीनों इंटेंट के आखिर में रैंडम कोई क्वेश्चन छोड़ दूं, जस्ट टू मेक श्योर कि वो माइक ओपन रहे और बंदा मेरी स्किल से बातें करता रहे, तो भाई ये तो आपके जज्बात है ना, कि आपको आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपको सॉफ्टवेयर से इतना प्यार है कि आप चाह रहे हैं कि आप उससे बातें करते रहे, भाई हर बंदे को थोड़ी ना होगा ये, हर बंदा तो अपनी नीड के लिए आ रहा है ना सॉफ्टवेयर पे, अब उसके पास एक सॉफ्टवेयर थोड़ी है, बहुत सारे हजारों सॉफ्टवेयर हैं जो वो डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको ना अपना दिल नहीं देखना, मतलब वो चाह रहा है कि मेरी स्किल के अंदर बंदा आ जाए तो बंदा कुछ ना कुछ बुकिंग ही करवा दे फिर, ठीक है, तो आपको अपना दिल नहीं देखना कि आपका दिल क्या कर रहा है, थोड़ा यूजर की नीड को भी समझना है। तो वॉइस एक्सपीरियंस जो है ना, वो सबसे बेस्ट क्या है, वो सबसे बेस्ट ये है कि यहाँ पे आया, मैंने कहा अलेक्सा What's the weather right now? The current weather is 75 degrees Fahrenheit with clear skies. Throughout the night, you can expect more of the same, with a low of 62 degrees. बस खत्म, ठीक है, कोई रीप्रॉम्प्ट नहीं, कोई माइक इसने ओपन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब मेरे सामने गूगल असिस्टेंट पड़ा हुआ है, अब मैं इससे अगर पूछूं, हे गूगल, डू आई हैव एनी रिमाइंडर्स टुडे? If you just ask for reminders for today, there are none set at the moment. ठीक है, बस मैंने उससे पूछा भाई आज का कोई रिमाइंडर तो नहीं है, उसने बोला भाई ठीक है कोई रिमाइंडर नहीं है, खत्म हो गई बात। अब आप बिला वजह लटक जाओ यूजर के पास कि नहीं भाई वुड यू लाइक टू सेट अ रिमाइंडर, ये भी पूछ सकते थे भाई, दबे ये करेक्ट टाइम था पूछने के लिए, कि वो मुझसे पूछ सकता था पलट के कि भाई अभी रिमाइंडर तो सेट नहीं है, कोई सेट करना चाहोगे क्या, लेकिन उसने नहीं पूछा, ठीक है, एथिकल बात है, और मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा यूजर एक्सपीरियंस है कि उसने नहीं पूछा, अगर पूछता तो मैं उससे एनॉय हो जाता क्योंकि वो फिर माइक ओपन कर देता, फिर मुझे एक एक्स्ट्रा वर्ड बोलना पड़ता क्योंकि मैं अभी क्लास के मिड में हूँ, राइट, तो अगर मुझसे वो पूछ लेता पलट के कि वुड यू लाइक टू सेट अ रिमाइंडर, ठीक है, अच्छा फिर माइक ओपन हो जाता, अब माइक ओपन हो रहा है ना तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ वो इनपुट जा रहा है, वो प्रोसेस होता वो इनपुट फेल हो जाता,
सही है, फिर मुझे स्टॉप बोलना पड़ता अल्टीमेटली, तो मेरा टाइम एक्स्ट्रा लगता जो कि उसने बचा दिया मेरा। तो दिस इज अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस कि आप ना बिला वजह यूजर के अंदर लटके नहीं, जितना उसने पूछा ना उतना। और ये भी फिलॉसफी आगे आ भी जाएगी जो हम बुक पढ़ रहे थे उसमें आगे ये फिलॉसफी भी, उन्होंने चार जो पॉइंट्स बताए ना कि भाई ये चार पॉइंट्स आपकी कन्वर्जेशन में हो, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि भाई जितना बंदे ने पूछा है ना उतना उसको बताओ और ज्यादा उसका टाइम जाया नहीं करो, हर बंदे का टाइम वैल्यू है, ठीक है ना। आप मिसाल के तौर पर जब आप कोई स्किल बनाते हैं, चाहे वो गूगल असिस्टेंट की स्किल बना रहे हो, चाहे वो अलेक्सा की स्किल बना रहे हो, या कोई भी वॉइस एक्सपीरियंस बना रहे हो, ठीक है, फोन का चैटबॉट बना रहे हो कोई, तो आपको जो चीजें जहन में रखनी है ना अपने, वो कौन सी चीजें रखनी है जहन में, जो मास कम्युनिकेशन में लोगों को बताई जाती है, समझ रहे हैं आप। अच्छा, मास कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक बंदा बैठा हुआ होता है टीवी पे, ठीक है, जो एंकर होता है, एक बंदा बैठा हुआ होता है और वो जो बात कर रहा होता है वो करोड़ों लोगों तक वो बात पहुंचती है, ठीक है, तो बहुत नाप तोल के बात करनी पड़ती है। ऐसी बात भी ना हो कि क्योंकि हर कलर के लोग रहते हैं, हर जुबान के लोग रहते हैं, हर इलाके के अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं, तो सब तक वो बात पहुंचेगी तो किसी को भी वो बात बुरी ना लगे, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है एक एंकर के लिए। तो बहुत नपे तुले अल्फाज वो इस्तेमाल करता है, फिर टाइम क्योंकि लिमिटेड होता है तो वो अपनी बात को उसको मुख्तसर रखना होता है, ठीक है, कम अल्फाज में ज्यादा बात पहुंचानी होती है। तो ये सारी जो चीजें ना, ये मास कम्युनिकेशन में जो इस्तेमाल की जाती हैं, इन सारी चीजों का ध्यान आपने वॉइस एप्लीकेशन बनाते हुए रखना है, ठीक है, क्योंकि वॉइस एप्लीकेशन से जो जुमले निकल रहे हैं ना स्पीकर से, वो जुमले हजारों करोड़ों लोग सुनने वाले हैं, ठीक है, होपफुली अगर आपकी कोई स्किल फेमस हो जाती है तो वो हजारों करोड़ों लोग उसको सुनने वाले हैं। तो आप अगर एक सेकंड भी एक्स्ट्रा बोल रहे हैं ना अगर, तो आपने ना 1 करोड़ एक्स्ट्रा सेकंड जाया कर दिए ओवरऑल। तो आपको अपनी बात को ना शॉर्ट रखना है, बिल्कुल ही शॉर्ट रखना है, जितना डेटा चाहिए ना उतना डेटा देके खत्म करना है। और ये बिला वजह ना, ये आखिर में क्वेश्चन बिला वजह नहीं, अलग से क्वेश्चन। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आपने ना लास्ट में नहीं छोड़ना है बिला वजह का, कि उससे बिला वजह कोई एनॉय हो जाए या किसी का एक्स्ट्रा टाइम जाया हो जाए। अच्छा, तो ये थोड़ी सी एथिकल बात हो गई हमारी। सर एक क्वेश्चन ये था कि अगर बिल फर्ज हमने क्वेश्चन नहीं छोड़ा, हाँ, तो ऐप हमारी ऑफ हो जाएगी। हाँ, ऐप ऑफ हो जाएगी आपकी, फिर बंदे को दोबारा खोलनी पड़ेगी अगर हमने बाद में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी है, इसके अलावा भी अगर ऑप्शन है। मैं वो भी बताता हूँ आपको। अच्छा, मैं पहले रीप्रॉम्प्ट यहाँ से बंद कर दूँ, ठीक है, और ये मैं बंद कर दूँ, ठीक है, सवाल भी हटा दिया, रीप्रॉम्प्ट भी हटा दिया मैंने, और डिप्लॉय का बटन प्रेस कर दिया। अच्छा, मेरे पास तो ऐप है ना, तो मुझे बार बार ओपन करना पड़ रहा है। अगर डिवाइस होती है ना आपके पास अलेक्सा की, तो वो तो आप डायरेक्ट बोलेंगे और वो चलेगा। अच्छा, अब ये एक्सपीरियंस देखिएगा, असल में ये है क्या अलेक्सा का एक्सपीरियंस। अलेक्सा, आस्क इंजमाम मलिक अबाउट वर्क एक्सपीरियंस। अलेक्सा, Ask Inzamam Malik about his work experience. Sorry, I don't know about that. Please try again. Ask Inzamam Malik, what is your work experience? I started working on web technologies in 2012. Later on moved to iChatbots and voice apps in late 2015. These days I am one of the experts in voice apps. बस खत्म, ठीक है। तो इसका असल एक्सपीरियंस क्या है कि मैं कहूंगा आस्क ऐप का नाम, ठीक है, कि आस्क इंजमाम मलिक, मेरी ऐप का नाम है ये, उसके बाद जो इंटेंट है मेरा, आस्क इंजमाम मलिक व्हाट इज योर नेम, आस्क इंजमाम मलिक व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस, आस्क इंजमाम मलिक व्हाट्स द वेदर, ठीक है, ये व्हाट्स द वेदर वाला भी करते हैं। अलेक्सा, आस्क इंजमाम मलिक व्हाट्स द वेदर। I live in Karachi. There was a problem with the requested skills response. ठीक है, खैर ये अभी कुछ स्किल के रिस्पांस में एरर आ गया इसके। अच्छा, ये वही वाला है जो लास्ट हम कर रहे थे, वो गलत एपीआई लगी थी, इस वजह से एरर आ रहा है। तो हमने क्या सीखा, पॉइंट हमारा क्या है कि अलेक्सा का जो रिस्पांस, जो 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 एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस ये है कि आप एक बात पूछें उसका जवाब दें और खत्म हो जाए,
जहाँ पे बहुत मैंडेटरी हो ना कि यार आपको लगता है कि हर बंदे को ही यहाँ पे जो है ना एक 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 एक्स्ट्रा चीज करवानी होगी। मिसाल के तौर पे अगर फूड ऑर्डर हो रहा है आपका, तो फूड ऑर्डर के बाद ना कोल्ड ड्रिंक लाजमी पूछेंगे आप, ठीक है, क्योंकि वो हर बंदे को ही चाहिए होती है कोल्ड ड्रिंक। अब मैं यहाँ के डायनेमिक्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के डायनेमिक्स में, क्योंकि पाकिस्तान में लोग क्या होता है कि मतलब खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक लेते हैं लोग, ठीक है, मतलब खाना सर्व हो जाता है और खाना सर्व करने के 5-6 मिनट के बाद वो कोल्ड ड्रिंक ला के दे देता है, ठीक है। तो दूसरी दुनिया में कहीं पे लोग दूसरी तरह से भी करते हैं, मिसाल के तौर पे यूरोप में मैंने नोट किया है कि लोग खाने से पहले कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मतलब वो पहले कोल्ड ड्रिंक्स ला के रख देगा, कोल्ड ड्रिंक वो पूरा खत्म कर लेंगे, जब वो पूरा खत्म करेंगे तो फिर वो एपेटाइजर लाते हैं, उसके बाद फिर वो मेन कोर्स लाते हैं। तो जगह जगह के डायनेमिक्स के हिसाब से भी होता है। कनाडा में लोग कैसे करते हैं सली, पहले कोल्ड ड्रिंक लाते हैं? जैसे कहा वैसे, पहले कोल्ड ड्रिंक लाते हैं और खाना फिर आता है, लाइक कोल्ड ड्रिंक खत्म होने के लिए नहीं रुकते, लेकिन पहले कोल्ड ड्रिंक आता है आपका। तो पहले कोल्ड ड्रिंक लोग सब दुनिया में ज्यादातर जो गोरे हैं वो पहले कोल्ड ड्रिंक लेना पसंद करते हैं। अब है अपना अपना, हम लोगों को बताते हैं यहाँ पे, मतलब कि अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पहले पी लिया तो खाना जो है ना वो पेट में आपके वो हो जाएगा, मतलब क्योंकि उसमें थोड़ा लेमन वाला टेस्ट होता है समटाइम कोल्ड ड्रिंक में, तो वो लेमन की वजह से ना खाना वो पेट में सख्त हो जाएगा और पेट में दर्द होगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमारे यहाँ जो लोग बाद में लेते हैं, और बाद में लेने का रीज़न ये है कि उससे ना खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा, मतलब लोगों को लगता है ऐसा कि जो हम कोक वगैरह पीते हैं तो खाने के बाद पीना चाहिए, उससे खाना डाइजेस्ट होगा जल्दी, लोगों को ऐसा लगता है। इंटरेस्टिंग, मैं ये सोच रहा था कि मतलब कार्बोनेटेड अगर ड्रिंक्स पी रहे हैं तो पेट में गैस होती होगी खाने से पहले, अच्छा नहीं है, यू वोंट बी एबल, लाइक यू नो इट बलून्स अप योर स्टमक, तो इसके लिए बाद में पीते होंगे, हमारा खाना भी हैवी होता है। हाँ अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि अगर खाने से पहले आपने कोल्ड ड्रिंक ले ली ना तो वो पेट में बलून अप कर देता है, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल, बट ये अच्छा है, उससे होता ये कि बंदे को लगता है उसने बहुत पेट भर के खाया है लेकिन खाता वो थोड़ी है, तो वो गैस थोड़ी देर में जो है वो रिलीज हो जाती है, तो पेट आपका ना सेट रहता है। तो मैं भी इसलिए कोशिश करता हूँ मैं पहले ही ले लूँ, बाद में ना लूँ, क्योंकि खाना एक बार पेट भर के खा लिया फिर आप ऊपर से जब कोल्ड ड्रिंक लेते हैं ना तो वो बलून अप होता है, तो वो आपके पेट को मतलब पेट पे एक्स्ट्रा लोड डालता है आपके। तो मे बी आपको सलील पता है कि पहले कोल्ड ड्रिंक लेने की फिलॉसफी क्या है गोरों की? So, यहाँ पे आई थिंक वेस्टर्न कल्चर में ड्रिंकिंग का ये है ना, लाइक अल्कोहल ड्रिंकिंग का एक कल्चर है। सो इसके लिए जब लाइक लोग आके बैठते हैं तो वो लोग ड्रिंक्स के साथ बातें करते हैं जब तक खाना बन के आता है, क्योंकि खाना लाइक बनने के लिए वक्त लगता है, तो तब तक के लिए कुछ हाथ में रखने के लिए काइंड ऑफ, आई थिंक अगेन I'm presuming, right? Like we're making assumptions here. सर ये हमारे यहाँ भी कल्चर है, हमारे यहाँ ना लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना जब हम चाय की शॉप में जाके बैठते हैं तो वहाँ पे हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं, आप चाय भी पी सकते हैं और आप कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो चाय नहीं पीते, कुछ ऐसे होते हैं परहेजी लोग होते हैं जो चाय नहीं पीते, तो वो फिर कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, और वो फिर एक बंदा चाय पी रहा होता है, एक कोल्ड ड्रिंक, और वो बातें करते हैं। तो कल्चर तो वही वाला है यहाँ पे भी। खैर तो हम ये बात यहीं पर रोक के वापस अपने कॉन्टेंट की तरफ आते हैं। अच्छा जी, तो हमने जो है ना रीप्रॉम्प्ट को अच्छी तरह एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है, रीप्रॉम्प्ट में इतना ही था। तो हम रीप्रॉम्प्ट को यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, और हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसमें मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। वो हमारी API रह गई थी सर, वो काइंडली सर। हाँ यार, API हमारी रह गई थी सर, वो इंटीग्रेट नहीं हुई थी सर हमसे। हाँ, हमारी API रह गई थी। चलो पहले वेदर API को कंप्लीट कर लेते हैं। ये सर वो कंप्लीट कर हमने ये वाली इस्तेमाल की है, क्या इसका नाम है, weather api.com, उस पे सिटी से आपको मिल जाता है weather API। ये वेदर पाई है, ये वेदर API है। ओके, बेहतरीन, गूगल से नहीं है। हाँ या, दिस वाज वन बैड थिंग कि इनके पास SSO नहीं था।
अच्छा अच्छा जी, प्राइसिंग देख लेते हैं। ओके, इतनी सारी एपीआई कॉल ये फ्री में दे रहे हैं, गुड यार, बहुत ज़बरदस्त ये तो हो गया। अच्छा अब हम चलते हैं एपीआई एक्सप्लोर करते हैं इसकी। थैंक यू सो मच सलील, आपने ये एपीआई बता दी क्योंकि लास्ट और टाइम यही प्रॉब्लम आई थी। हमारी हमारे जो लॉगिन करने के बाद हमारा एपीआई, अच्छा आपको पहले ये करना पड़ेगा क्या, अकाउंट कंफर्म कराना पड़ेगा, वेरीफाई, देन यू विल बी एबल टू लॉग इन एंड देन यू कैन पुट इन योर एपीआई की एंड इट विल पुट लाइक स्पिट आउट द लिंक एंड एवरीथिंग डाउन देयर। अभी तक मैं लॉगिन नहीं हुआ हूँ। ओके ये ऊपर ये नहीं, ये कुछ नहीं क्लिक करना, ये इन्होंने ना, इनका यूएक्स खराब है। ऊपर ऊपर आपकी एपीआई है फ्री के ओ, ये ऊपर, एपीआई आ गई, गुड गुड गुड, जबरदस्त। ये इनको बड़ी दिखानी चाहिए थी लेकिन क्या पता इन्होंने इनका यूएक्स मार खा रहा है। अच्छा तो मैं इस पहले तो इस एपीआई की को यहाँ पे ना पेस्ट कर देता हूँ लाके। उनका जो एपीआई एक्सप्लोरर था ना उसमें हाँ, आप उसमें सही, देखेंगे, उसमें काफी सही नजर आ रहा था मुझे एपीआई हाँ एक्सप्लोर। आप ऊपर यहाँ पे बस पेस्ट कर दें। ओह क्या बात है जी। और हाँ और HTTP ये प्रोटोकॉल, HTTPS प्रोटोकॉल एक्चुअली, जेसन रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। ठीक है जी, लंदन। और इन्होंने क्या कर दिया, पूरा डेटा दिखा दिया मुझे। हाँ, और आप सिर्फ लाइक शो रिस्पॉन्स दे देंगे और वो आपको यूआरएल के साथ ले आएगा सारा, वाह जबरदस्त और यार, ये यूआरएल यहाँ से मैंने हमने कॉपी की थी तो आसान हो गया और भी वेल ई डन के यार, साथ जबरदस्त, ये तो बहुत ही सही हो गया। अच्छा तो हमें अब जस्ट ये करना है कि यूआरएल इसका बनाना है हटा के लॉन्च। और एक्सियोस डॉट गेट एंड देन यहाँ पे वो यूआरएल। अच्छा यूआरएल को बैकटिक कर देते हैं ताकि उसमें टेम्पलेटिंग कर सकें। ठीक है, बैकटिक सब लोगों को पता है, स्ट्रिंग में ये बैकटिक हम लगाते हैं। बैकटिक का बटन हमारे पास पर होता है, अलग से नहीं ले ले यूआरएल को, अलग से भी लिख सकते हैं। और सिटी सही है। नेम पे मैं क्या कर देता हूँ, जहां पे ये लंदन लिखा हुआ है इन्होंने वहां पे मैं लगा देता हूँ टेम्पलेटिंग और सिटी नेम डॉट वैल्यू। ओके गॉट इट, सिटी नेम डॉट वैल्यू मैंने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, हमने लास्ट टाइम सिटी नेम डॉट वैल्यू करके इसको प्रिंट किया हुआ था यहाँ पे। और अब हम क्या करते हैं इसके रिस्पॉन्स में, अब रिस्पॉन्स में इसके क्या मिलता है वो भी जरा देख लेते हैं। ओके, रिस्पॉन्स की बॉडी में मुझे मिलेगा, रिस्पॉन्स की बॉडी में डॉट करंट और टेम्परेचर मुझे चाहिए ना, टेम्परेचर सी, ठीक है, करंट डॉट टेम्प सी, इस तरह करके मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा होगा, जबरदस्त। ठीक है, तो मुझे, मैंने कहा करंट डॉट टेम्प सी। ठीक है, मैं दो, और एक भी है वहां पे, पहले मैं बॉडी को प्रिंट कराता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसे प्रिंट करा लेता हूँ। सही है, वो ये जो है हाँ ना पार्टली क्लाउडी जो करंट में कंडीशन का टेक्स्ट है उसको कैसे हम लेंगे? उसको भी हम ले सकते हैं, कंडीशन डॉट टेक्स्ट। ठीक है, करंट डॉट ज़रा देखिए कंडीशन अगर डॉट कर टेम्प। सकते हमने ये करने की कोशिश की थी और ये करने के बाद ना हमारा स्किल फट रहा था। करंट डॉट कंडीशन डॉट टेक्स्ट, सही है। हाँ ठीक है। सही, अच्छा इसमें ना मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। क्वेश्चन मार्क से क्या होता है कि अगर वो चीज अब मौजूद नहीं होती है ना तो कोड ब्रेक नहीं होता। ठीक है, हर डाउट से पहले अच्छा मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि अभी मैंने एक तो डॉक्यूमेंट से देखा है ना, तो होपफुली ऐसा ही रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि डॉक्यूमेंट में लिखा है तो गलत नहीं लिखा होगा इन्होंने। बट मैं अगर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ तो अगर ये चीज मुझे नहीं भी मिली तो मेरा कोड ब्रेक नहीं होगा एटलीस्ट। ठीक है, यहाँ पे यस अनडिफाइंड प्रिंट हो जाएगा। अच्छा मैंने इसको ये क्या भाई, डेटा वन, क्योंकि तीन में अलग अलग लगा रहा हूँ तो तीनों में मैं अलग अलग टेक्स्ट लिख देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि कौन सा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म है। ठीक है जी, और ये चीज मैं कहाँ पे लगा देता हूँ,
ये 27 की जगह पे भी लगा देता हूँ क्योंकि होपफुली मैंने सही लिखा है, मुझे कॉन्फिडेंस है, तो अगर ये सही होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे ये चला भी जाएगा। अच्छा क्या 78 पे डेटा 3 आना चाहिए ना, ये एरर किस बात का दिखा रहा है, सॉरी कहाँ पे डेटा था, डेटा 3 आना चाहिए करेक्ट, ये एरर क्यों दिखा रहा है यार, ये नहीं पता चला था, ये करंट लाइक वो क्या है पता है, अगर हम मैं डॉक्यूमेंट्स में हमने जाके चेक किया था वो डॉट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा वहां पे, तो हमने कोलन डाला था क्योंकि करंट कंडीशन कोलन टेक्स्ट अगर डाल रहे हैं ऐसे उन्होंने बताया था एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पे, नहीं नहीं डॉट करके होगा, ऑब्जेक्ट्स है ना ये डॉट करके ही होगा। अच्छा ये प्रॉब्लम पता है क्या है, ये एरर क्यों दे रहा है, असल में यहाँ पे ना जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा पुराना वर्जन है तो ये कह रहा है कि आप क्वेश्चन मार्क ना इस तरह नहीं लगा सकते यहाँ पे, ठीक है, ये एरर इस वजह से दे रहा है, मे बी आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने कितना पुराना वर्जन रखा हुआ है इसमें, अगर मैं इसमें लगा दूं यहाँ पे एंजन, ठीक है क्या तब भी ये एरर देगा मुझे ये वाला, अभी मैंने उसको हार्ड कोडेड बता दिया है कि मुझे नॉट जेएस 16 ही इसमें चाहिए, उससे कम पे मेरा काम नहीं चलेगा, तो अब मैं क्या क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, अभी भी एरर है ये, अच्छा डिप्लॉयमेंट में कोई इशू नहीं दिया इसमें, डिप्लॉय अभी हो रहा है, मोस्ट प्रोबली ये नया वाला नॉट जेएस इंस्टॉल कर रहा होगा, असुलन तो होना चाहिए जैसे आपने बता रहे हैं। आप ना उसके अगर एक बार एपीआई डॉक्यूमेंट्स में आएंगे ना, यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम कर रहा है, खैर मैं क्वेश्चन मार्क अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूँ राइट, क्योंकि ये लॉग्स तो मैं देख ही सकता हूँ जाकर, तो मैं क्वेश्चन मार्क हटा देता हूँ। अच्छा हम ना अभी फिलहाल के लिए तो ये लैम्डा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम ये लैम्डा फंक्शन हमेशा इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, थोड़ी ही देर में हम ये लैम्डा फंक्शन से अपनी जान छुड़ा लेंगे, हम एक्सप्रेस का सर्वर इसमें इस्तेमाल कर रहे होंगे राइट, अच्छा, ताकि वो नंबरिको पे हमारी मर्जी से डिप्लॉय हो सके कहीं पर भी हम चाहें तो। अच्छा जी तो ये मैंने कह दिया इतनी बात, अब मैं जाता हूँ टेस्ट वाले पे, और टेस्ट वाले पे जाके मैं कहता हूँ कि आस्क इंजमाम मलिक व्हाट्स द वेदर, आस्क इंजमाम मलिक व्हाट्स द वेदर, प्लीज टेल मी योर सिटी नेम, लाहौर, There was a problem with the requested skills response. Problem आ गया, अब मैं क्लाउड वॉच में जाके कंसोल पे देख लेता हूँ कि कितने तक मुझे सही मिला है, और होपफुली ये condition.txt पे ही मुझे कोई एरर आया होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं आपके पास भी आया होगा, तो होपफुली जिन्होंने इन्होंने डॉक्यूमेंट में जिस तरह से बताया है वैसा नहीं आ रहा हो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स कुछ अलग तरह का आ रहा हो। अच्छा जी 9:12 मेरे पास हो रहे हैं, तो हाँ यही है मेरा, यही मेरी स्ट्रीम है 9:12 वाली, समटाइम ये स्ट्रीम में थोड़ी देर से क्रिएट होती है तो अच्छा उसमें डिले हो सकता है, हाँ तो कभी कभी मुझे थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ता है इसको। अच्छा तो मैं ओपन करता हूँ जी, मेरी ये स्किल स्टार्ट हो गई, उसके बाद मेरे पास क्या आया, ये सिटी नेम आ गया, ये सिटी नेम आ गया, ठीक है जी, उसके बाद डेटा वन में अनडिफाइन मुझे मिल रहा है, व्हाट व्हाई इज दैट, डेटा वन में मुझे अनडिफाइन मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भला, हमने वो जेसन स्ट्रिंगिफाई इस्तेमाल किया है क्या, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या, नहीं वो इसमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अच्छा तो मैं ये देन को कम्प्लीटली रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो है ना हम इस तरह से भी कर सकते हैं राइट, हम इस तरह से भी कर सकते हैं, मैं देन को कम्प्लीटली रिमूव कर रहा हूँ, हम टोटल एसिंक का वेट वाला तरीका अख्तियार कर रहे हैं, और फिर ये कैच मुझे ना फिर इस तरह नहीं लगेगा, ये कैच लगेगा ट्राई कैच फिर, ठीक है, ये जब हम कम्प्लीटली एसिंक वाला तरीका करते हैं तो उसमें ट्राई कैच का ब्लॉक इस तरह से लग रहा होता है, ठीक है ये पूरा ट्राई और फिर कैच होगा ये,
इसमें फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं है आई थिंक। फॉर्मेट का ऑप्शन है क्या इसमें? नहीं है, नहीं है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर जिसकी वजह से ना हम अल्टीमेटली इससे हम जान छुड़ाएंगे अपनी। एक एक आप कर सकते हैं कि आप वीएस कोड में इसका अलेक्सा का ये है क्या एक्सटेंशन है और वो ये पूरा उठा के इस पे लेके आ जाता है वीएस कोड में और आपको वहां पे एडिटिंग करने दे देता है। ओ अच्छा, हाँ ये मुझे पता नहीं था इस बारे में, मैं इसको जरूर ट्राई करूंगा। ठीक है, फिलहाल मैंने हाथ से उसको जो है ना मॉडिफाई कर लिया। सिटी नेम की स्पेलिंग तो सही लिखी है ना मैंने? हाँ स्पेलिंग सही लिखी है। अच्छा एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि लैम्डा फंक्शन चूंकि नैनो सर्विस है तो नैनो सर्विस में हमें एसिंक अवेट वाला तरीका ही इख्तियार करना पड़ता है, इसमें डॉट देन नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी हाइब्रिड करके चलाने की कोशिश की लेकिन वो भी हमने नोट कर लिया कि वो भी नहीं चल रहा है। ठीक है, हमें कम्प्लीटली क्या करना पड़ेगा, हमें कम्प्लीटली वही वाला तरीका करना पड़ेगा एसिंक अवेट वाला ना प्रॉपर। तो मैं अभी क्या कर चुका हूँ, देन को मैंने बिल्कुल ही रिमूव कर दिया है, प्योरली एसिंक अवेट पे मैं मूव हो गया हूँ। और इस पे हम इसको चलाकर देखते हैं अगेन, थोड़ा सा मैं इंडेंटेशन कर दूं ताकि कोड समझने लायक हो जाए। ठीक है जी, कोड समझने लायक कर लिया हमने। ठीक है जी, यहां से मेरा ये ट्राई का ब्लॉक स्टार्ट है जिसके अंदर मैंने वो रिक्वेस्ट की हुई है इंटरनेट पे, और यहां पे मेरा जो है ना कैच का ब्लॉक है जो यहां से शुरू है और वो यहां पे खत्म है। और इसके अंदर मैंने कैच के ब्लॉक में मैंने क्या किया हुआ है, एरर को हैंडल किया हुआ है। अगर हमारा एपीआई कॉल करते समय अगर कोई एरर आ जाता है तो वो हमने यहां पर हैंडल किया हुआ है। और डिप्लॉय का बटन मैंने प्रेस कर दिया, और डिप्लॉय का बटन प्रेस करने के बाद हम वेट करते हैं कि ये डिप्लॉय हो जाए। ठीक है जी, अब हम जाते हैं टेस्ट की स्क्रीन को रिफ्रेश करके दोबारा से हम ये काम करने की कोशिश करते हैं। आस्क इंजमाम मलिक व्हाट्स द वेदर इन कराची, राइट? मैंने सब कुछ एक ही साथ दे दिया उसको। Something went wrong in function. अच्छा, something went wrong in function का मतलब है कि कैच का ब्लॉक चला है, राइट? कैच का ब्लॉक चला है तो एरर भी क्या आया वो भी मुझे पता चल जाएगा इसके अंदर। तो मैं दोबारा से क्लाउड वॉच में जाता हूँ और मैं उस एरर को देखने की कोशिश करता हूँ कि अब क्या एरर आया, क्योंकि काफी एरर तो हमने सॉल्व कर दिए थे। ठीक है जी, 9:16 का ये आ गया। यार मुझे एपीआई का रिस्पांस जो है ना अनडिफाइन मिल रहा है यार। वो आप ये डिलीट कर दें जो कंडीशन वाला था ना, कंडीशन डॉट टेक्स्ट वाली चीज, वो आप कमेंट आउट कर लें। सर बॉडी की वजह से तो नहीं आ रहा खाली? बॉडी की वजह से खाली क्या मतलब? गेट की रिक्वेस्ट करनी थी ना इस पे, वेदर एपीआई था ना, क्या नाम था उसका, वेदर एपीआई। हां वेदर एपीआई.com और गेट की ही रिक्वेस्ट करनी थी। API Explorer, API की मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ रहा है। आपके हाँ आपके इसमें होगी वो? नहीं मैं वैसे अलग से ब्राउज़र पे लगा के चेक करता हूँ ना इसको। So क्यू में सिटी नेम हमने वो पास नहीं हुआ शायद। यार यहाँ तो सही दे रहा है ये। हाँ यार सिटी नेम तो बिल्कुल सही पास हुआ हुआ है मेरे हिसाब से। नहीं सिटी नेम सही पास हुआ हुआ है, वो जब आप वो कंडीशन डॉट टेक्स्ट वाला ये कमेंट आउट करोगे ना तब ये वाला कोड चलता है। जब वो वाला हम डाल रहे थे तब पूरा ब्रेक हो रहा था, ना रिस्पांस बॉडी आ रहा था ना रिस्पांस करंट डॉट टेम्परेचर आ रहा था। वो कंडीशन डॉट टेक्स्ट वाला ना 74 पे 74 वाला जो लाइन है वो आप कमेंट आउट कर ले। डेटा टू वाला लाइन जो है ना उसको कमेंट आउट कर ले आप। नो मैन नॉट लाइक मैं जेन्युइनली वो बिलीव करता हूँ क्योंकि कल हम यही टेस्ट कर रहे थे, ये लगाने के बाद सारे डेटा टाइप्स हमें अनडिफाइंड मिल रहे थे और ये लगाने से पहले बाकी के सब डेटा टाइप्स आ रहे थे, ये वाला नहीं आ रहा था।
पास। मैं एक बार ये देख लेता हूँ कि मैंने एग्जियोस के कोड में कोई मिस्टेक तो नहीं की है। वैसे एग्जियोस का कोड तो काफी बेसिक है, लेकिन मैं एग्जियोस का एक बार डॉक्यूमेंट खोल के देख लेता हूँ कि मैंने इसके कोड में कोई मिस्टेक तो नहीं की हुई है। बिल्कुल सही किया हुआ है मैंने तो यार। ओके रिस्पॉन्स डॉट डेटा है इसके अंदर, मैंने शायद बॉडी लिख दिया ना गलती से। हाँ मेरा शक बिल्कुल सही निकला, जी रिस्पॉन्स सर, डॉट डेटा होता है इसमें, मैंने बॉडी लिख दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, ये मेरी मिस्टेक थी, रिस्पॉन्स डॉट डेटा है। इसको भी मैं वापस से खोल देता हूँ, सही। सब जगह पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा है, माई बैड। ठीक है, कभी कभी बहुत बेसिक चीज में भी मिस्टेक हो जाती है तो उससे ये होता है। पर हमजा कल हम जब कोशिश कर रहे थे, हमारे यहाँ पे वो कंडीशन डॉट टेक्स्ट के इस पे पूरा का पूरा फट रहा था, सही है? जी अभी हम वो भी देख लेकिन लेते हैं। आपने हाँ एग्जैक्टली यही लिखा था, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट करंट डॉट कंडीशन डॉट टेक्स्ट। तो हाँ अभी हम देखते हैं उसको, डिप्लॉय मैंने कर दिया और आस्क इंजम्मा मलिक व्हाट्स द वेदर इन कराची। चल गया, Weather of Karachi is 24 degrees centigrade. शुक्र। अच्छा अब हम ये देखते हैं कि ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा में और ये करंट डॉट डेटा में क्या क्या प्रिंट हुआ है। मेरे क्लाउड वॉच में जाकर देख लेता हूँ। अच्छा आज की क्लास में मेरी स्क्रीन वगैरह सही दिख रही है आप लोगों को? कोई डीले वगैरह तो नहीं है किसी चीज का? सर कल से पहले से बहुत बेहतर है। जी सर पहले से बेहतर है, लेकिन आई थिंक जूम इससे बेहतर था, मेरा पर्सनल ओपिनियन। जी सर साइडों में ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ रही है। साइडों में ब्लैक ब्लैक मतलब? मतलब सर फुल स्क्रीन नहीं आ रही, मतलब कि कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें एक्स्ट्रा आता है। ओके ओके ओके। उसके लिए बाय द वे एक 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 वर्क अराउंड बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को। अगर आप विंडोज की मशीन पर हैं तो आप विंडोज और प्लस ये दो अगर बटन प्रेस करेंगे तो पूरी पूरी स्क्रीन आपकी ना जूम इन हो जाती है, थोड़ी सी ना ऐसे जूम इन हो जाती है। तो मे बी अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो विंडो और प्लस का बटन आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है ओके। ये क्या किया मैंने मैम? आप response two का data two का response? हाँ response का मैं data देखने जा रहा था तो ये मेरे पास city name आ गया। अच्छा नहीं data two आ गया आपके पास? अच्छा data one में मेरे पास ना वो पूरा तमाम data आ रहा है जो मुझे API से मिला है। ठीक है इसमें current dot temperature ये मिल गया मुझे और क्या था मेरे पास condition dot text clear ये मुझे मिल गया तो मैं इसको भी यूटिलाइज कर। अच्छा सेकंड वाला लॉग मैं देखता हूँ कि उसमें मेरे पास क्या है। आ गया क्लियर आ गया वो मैंने देखा। हाँ क्लियर भी आ गया और वो भी आ गया, सब आ गया सही है। डेटा टू क्लियर और डेटा थ्री 24 लिखा हुआ आ गया इसमें। तो अब मैं क्या करता हूँ मैं इसको भी इस्तेमाल कर लेता हूँ टेक्स्ट को भी कंडीशन के इन कराची। ठीक है ऐसे लिखता हूं मैं कि इन कराची इट इज 24 डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्लियर। ठीक है सही रहेगा इस तरह? सही। और मैं इसको डिप्लॉय करके वंस अगेन इसको चलाकर देखता हूं। In Karachi, it is 24 degrees centigrade and clear. क्या बात है जबरदस्त हो गया। अच्छा और मैं इससे पूछता हूँ, लंदन का पूछता हूँ। In London, it is 10 degrees centigrade and partly cloudy.
अच्छा, तो आप ना इसमें मजीद जो डिटेल ये प्रोवाइड कर रहे हैं, काफी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये विंड की स्पीड वगैरह, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ठीक है जी। तो आप इन सब चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं, रीजन भी बता रहा है ये, ठीक है, कंट्री का नाम भी बता रहा है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, सही है, काफी कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो आप अपने रिस्पॉन्स में इनमें से जो भी चीज चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी हमने फिलहाल दो चीजें ऐड की हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी हमारे पास। अच्छा जी, तो ये हमारी ना वेदर एप्लीकेशन एक कंप्लीट हो गई है। हमने सबसे पहला काम क्या किया था, एक सिंगल इंटेंट बनाया था, व्हाट इज योर नेम, जिससे कोई भी बात पूछो तो वो सिंपली उसका रिस्पॉन्स दे देता था, ठीक है। नंबर दो हमने इंटेंट ये बनाया, वेदर का इंटेंट बना लिया, जिससे कोई सवाल पूछो तो वो पलट के एक सवाल पूछता था सामने से, ठीक है, कि भाई व्हाट इज द सिटी, हम सिटी का नाम बताते थे, तो ये दूसरा इंटेंट बना लिया हमने। नंबर थ्री, हमने उस इंटेंट में से जब वो इंटेंट कोड में आया तो वहां से हमने आगे इंटरनेट पर रिक्वेस्ट करके डेटा मंगवा लिया, ये तीन काम कर लिया। अब हम चौथा इंटेंट बनाने जा रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा पैरामीटर होते हैं, राइट, एक से ज्यादा पैरामीटर वाला हम इंटेंट बनाने जा रहे हैं। अच्छा, मैं वापस आ जाता हूँ जनाब अपने पास बिल्ड में, और एक वेदर इंटेंट था। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है, मैंने इंटेंट पे क्लिक किया यहाँ पर, और उसके बाद मेरे पास ऐड इंटेंट का बटन शो हो गया। मैंने ऐड इंटेंट का बटन दबाया, और बटन दबाने के बाद मैंने कहा कि बुक रूम, ठीक है, ये रूम बुक करने का इंटेंट है। इसमें मैं बंदे से तीन बातें पूछूंगा, बल्कि पिज्जा ऑर्डर कर देते हैं यार, क्या ख्याल है, रूम बुकिंग ही रखते हैं, चलो एक ही बात है। रूम बुक करने के लिए बंदा आ रहा है, तो मैं इससे तीन बातें पूछूंगा। एक तो मैं ये पूछूंगा कि आपको कौन सा रूम चाहिए, वीआईपी चाहिए, ऑर्डिनरी चाहिए या इकोनॉमी चाहिए, ठीक है, तीन कोई भी हम कैटेगरी बना सकते हैं। फिर हम पूछेंगे कि भाई कितने बंदों के लिए आपको रूम चाहिए, मतलब एक बंदे के लिए, दो बंदे के लिए, कितने बंदों के लिए रूम चाहिए। नंबर थ्री बात हम इससे ये पूछेंगे के क्या सवाल हो सकता है, नंबर तीन सवाल कोई बताएगा, कितने दिनों के लिए हाँ और कब एग्जैक्टली, से, हाँ कितने दिनों के लिए और कब आप आएंगे यहाँ पर, ठीक है, कब आप आएंगे, ऐसा, तो चार सवाल हो गए ये। और कौन से लोकेशन पे आएंगे। लोकेशन भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल, क्रिएट इंटेंट जनाब, ठीक है। सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा सैंपल अट्रेंसेस के कौन कौन सी ऐसी बातें अगर बंदा बोले तो ये इंटेंट इनिशिएट हो जाए, ठीक है। बंदा बोलेगा बुक अ रूम फॉर मी, ठीक है, बुक अ रूम, ठीक है, आई वांट अ कॉमा, क्या बोलता है ये, कॉमा डे, ठीक है, अकोमोडेशन भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकता है बंदा, बताएगा कोई, I want to make a hotel reservation. या मेक अ होटल Reservation. रिजर्वेशन एंटर, और कोई सजेस्ट करना चाहेगा, कोई ऐसी, कोई ऐसा जुमला जो बंदा होटल बुक करने के लिए बोलता है। आई नीड अ नीड अ प्लेस, डू यू हैव एनी रूम्स अवेलेबल। नीड रूम, अरीबा कह रही है, क्या अरीबा कह रही है नीड रूम अर्जेंट। नीड अ रूम, अच्छा ये रेकमेंडेशन है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप चार पांच जुमले लिख देते हैं तो ये आपको कुछ रेकमेंडेशन भी देता है, ठीक है, मेक अ रूम फॉर मी, चलो कह देते हैं इसको भी ऐड, आई वांट टू बुक अ रूम, इसको भी कर देते हैं ऐड, एड, ठीक है। तो यहां से भी आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये आपको सजेस्ट करता रहता है कि क्या आपको ऐड करना चाहिए इसको, क्या आपको ऐड करना चाहिए एड्रेसेस में।
अच्छा जी, वो बल्क एडिट क्या था? बल्क एडिट ये है कि आप यहाँ पे ना एंटर करते रहें सीएसवी फाइल से, कहीं से कॉपी करते हैं ना आप, तो यहाँ पे पेस्ट करना सही रहता है, बस यहाँ पे लाइन अच्छा एंटर मारते रहें आप, ये चलता रहता है। अच्छा 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 सही सही। अच्छा, सबसे पहला सवाल मुझे ये पूछना है कि भाई कितने लोग हैं आप? ठीक है, नंबर ऑफ पीपल, सही रह गई नंबर, पीपीएल नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल कर दिया मैंने, ठीक है, यही मुझे सबसे सही नाम लग रहा है। किसी और के जहन में कोई बेटर नेम है? रेसिडेंट्स कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पीपल सही है। नंबर ऑफ पीपल, इसमें एक नंबर बताएगा बंदा। अच्छा, अब स्लॉट टाइप में इसमें मैं देखता हूँ हाँ कि स्लॉट टाइप में अब मैं क्या ऐसा यहाँ पे सेलेक्ट करूँ जिसमें मुझे यूजर नंबर एंटर करके दे सके। तो होपफुली मैं NUMBER, ये मैं सर्च करके लाता हूँ, तो इसमें मुझे नंबर कितने तरह के मिल रहे हैं? एक 4 डिजिट नंबर मिल रहा है, राइट, उसके बाद एक जस्ट नंबर मिल रहा है, और एक मुझे मिल रहा है फोन नंबर। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? 4 डिजिट का नंबर तो नहीं चाहिए मुझे, 1 2 3 4 से लेके सो ऑन, तो मैं जस्ट नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें मुझे कोई भी एक नॉर्मल सा कोई भी नंबर मुझे यहाँ पे मिल रहा होगा। अच्छा, मल्टी वैल्यू ये नहीं है। अच्छा, मैं यूजर से पूछना चाहता हूँ, अगर वो मुझे नंबर ये नहीं बताता, मैंने कहा ये रिक्वायर्ड है मेरे भाई, ये जब तक वो ये नहीं बताएगा कि कितने बंदों के लिए चाहिए, मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो अगर बंदा नंबर नहीं बताता है तो उससे मैं पूछूं, हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी पीपल और हाउ मैनी, और हाउ मैनी पीपल। अच्छा, और क्या, और किस अंदाज में पूछा जा सकता है कि कितने बंदों के लिए रूम बुक करना है? You want to book for how many people, or how many people do you want to book for? Do you? I think it makes sense. It makes sense. How many kids and adults in your group? ये भी पूछ सकते हैं। अरीबा कह रही है। हाँ हाँ, अभी हम सिंपल रखते हैं, अभी जस्ट हम ये पूछते हैं कितने बंदे हैं। सही। अच्छा, वी आर 4 पीपल, तो 4 मेरा क्या है? 4 मेरा क्या है? नंबर है, ठीक है, वी आर 4 पीपल। अच्छा, या फोर पर्सन्स, PERSON, 4 पर्सन। अब इसमें 4 मेरा क्या है? नंबर ऑफ पीपल है, ठीक है, ये मैंने कर दिया, ठीक, या मैंने जस्ट 4 बोल दिया, ठीक है, जस्ट 4 बोलूं तो भी इसको समझना चाहिए। और कोई और किसी अंदाज में बोल सकता है यूजर इस बात का जवाब? I want to book for number of people. चले भाई, हमने ये भी इसको बता दिया। और क्या हमें स्लॉट के कंफर्मेशन की जरूरत है? मेरा ख्याल है नहीं है, क्योंकि 4 बोला तो ठीक है, 4 है, अगर वो गलत भी सुन लिया उसने तो वो दोबारा स्टार्ट कर लेगा। अच्छा, और इसको मैंने सेव का बटन प्रेस कर दिया और मैं वापस इंटेंट के अंदर आ गया। अच्छा, अगला सवाल मेरा क्या होना चाहिए? How many days? मेरा ये ख्याल है कि अगला सवाल ये होना चाहिए कि व्हाट कितने टाइप ऑफ रूम है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया रूम टाइप, एंटर।
अच्छा, अब रूम टाइप के लिए मुझे रूम की टाइप चाहिए, राइट? अब राइट इसमें कौन सी ऐसी चीज लिखूं कि मुझे रूम की टाइप पता चल जाए, है कोई? कस्टम कस्टम ये वाला? नहीं, कस्टम कस्टम कहाँ पे, कस्टम कहीं पे देखा था अभी। अच्छा, कोई और सलील के अलावा बताना चाहेगा कि इसमें से कौन सा वाला सेलेक्ट करने से सही रहेगा? मुझे तीन तरह की टाइप चाहिए, एक इकोनॉमी, एक स्टैंडर्ड और एक लग्जरी, ठीक है? तीन टाइप है, या वीआईपी। तो कोई बताना चाहेगा कि इसमें से कौन सी वाली टाइप सही रहेगी? कोई ऐसा बंदा है जिसने इन सबको एक्सप्लोर किया हुआ हो, है कोई ऐसा? कोई भी नहीं है। अच्छा, इसके लिए ना मेरे पास कोई पहले से बनी हुई टाइप मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, जैसे सलील ने जिक्र किया कि हमें इसके लिए अपनी स्लॉट टाइप बनानी पड़ेगी। ये जो स्लॉट टाइप है, अमेजोन डॉट एक्टर, अमेजोन डॉट एडमिनिस्ट्रेटर, अमेजोन डॉट नंबर, ये कहलाती है बिल्ट इन स्लॉट टाइप्स, राइट? तो बिल्ट इन स्लॉट टाइप्स में मेरा काम नहीं बनने वाला है, मुझे अपने लिए, खुद के लिए स्लॉट टाइप एक बनानी पड़ेगी। तो मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, ठीक है? यहाँ पे सेव कर देता हूँ जितना मैंने किया हुआ है, सेव का बटन प्रेस कर देता हूँ मैं। और अब मैं यहां से मूव करता हूं एक दूसरे मेन्यू में, जहां पर जाकर मुझे एक अदद स्लॉट टाइप बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो मैं गया जी जनाब स्लॉट टाइप में। कहाँ चला गया, गुम हो गया। हाँ, हेयर यू गो, स्लॉट टाइप्स, ठीक है? अच्छा, दो स्लॉट टाइप हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है। तो मैंने कहा ऐड अ स्लॉट टाइप, मुझे खुद की मेरी एक स्लॉट टाइप बनानी है। अच्छा, उस स्लॉट टाइप का नाम क्या होगा? उस स्लॉट टाइप का नाम होगा रूम टाइप्स, ठीक है? नेक्स्ट। अच्छा, रूम टाइप में मेरे पास क्या क्या नाम हो सकते हैं? मैंने कहा भाई एक होगा मेरे पास इकोनॉमी, राइट? एक होगा मेरे पास स्टैंडर्ड, और एक होगा वीआईपी, ठीक है? तीन वैल्यू मैंने ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर कर दी। अच्छा, अब इसके अंदर ना जरूरी नहीं है कि हर बंदा आके ना वीआईपी बोले, ठीक है? या हर बंदा आके स्टैंडर्ड बोले। कोई स्टैंडर्ड को ये भी कह सकता है कि गिव मी नॉर्मल रूम, राइट? जो नॉर्मल रूम होता है वो मुझे दे दो। तो अब नॉर्मल क्या मैं यहाँ पे एक अलग से ऐड करूं? नॉर्मल, ये तो चौथी टाइप हो जाएगी। नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मैं सिनोनियम्स ऐड कर सकता हूँ, राइट? तो मैं स्टैंडर्ड के कुछ सिनोनियम्स भी लिख देता हूँ कि अगर ये बातें भी बंदा बोलता है तो आप यही समझना कि स्टैंडर्ड रूम की बात हो रही है। मिसाल के तौर पे नॉर्मल, ठीक है? नॉर्मल भी कोई बोले तो वो स्टैंडर्ड रूम की ही बात कर रहा है। अच्छा, और स्टैंडर्ड रूम को क्या बोल सकता है बंदा? रेगुलर। रेगुलर जी, और बताएं प्लीज सारे लोग। माइक खोल के कोई पार्टिसिपेट करे हमारे अलावा भी। हाँ जी बिल्कुल, सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो क्लास में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें, ताकि आपका खुद का भी इंटरेस्ट बना रहे क्लास में, राइट? अदरवाइज क्या होगा कि आप बोर हो जाते हैं। इसको ऑर्डिनरी भी कह सकता है कोई, ऑर्डिनरी। अच्छा, वीआईपी को क्या कह सकता है कोई? शायद लग्जरी। लक्ष लग्जरी और बेस्ट बेस्ट ग्रेट। प्रीमियम अरीवा कह रही है। प्रीमियम अरीबा और उमेर भाई कह रहे हैं कि उनके दोनों के माइक के आज इशू हैं। हाई क्लास, हाई क्लास, अध्यापी का ये मैसेज आया है तो मतलब अध्यापी को तो इसका इसमें, परिणाम हाँ, बताना, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि आपके लिए अटेस्ट करवाना जरूरी है, हमेशा टेस्ट होगा, तो आज का टाइम बाद में बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा ना, अभी जाऊंगा, बंद हो चुका है वैसे भी अभी इसका चलाना टेस्ट नहीं हो सकता। नहीं। डायरी का टेस्ट करेंगे?
अभी मैं क्लास खत्म करके फोन करके पूछता हूँ। अच्छा मैं जा रही हूँ कॉपी करवाने, मैं आपसे मिलने चली जाऊंगी, ठीक है? सही, लग्जरी हो गया नमाज़ लग्जरी लिख दिया। अच्छा इकोनॉमी को बंदा क्या बोल सकता है? चीप बजट? नहीं नहीं चीप नहीं, कोई चीप नहीं कहे। हाँ ठीक है, मतलब कह तो सकता है कि मैं चीप रूम बजट। अच्छा ये जो मैं सिनोनिम्स लिख रहा हूँ ये किसी को पता नहीं चलेगा राइट? ये मतलब किसी को ऐसे लिस्ट के तौर पे नजर नहीं आ रहा होगा, जस्ट अगर वो कहेगा तो वो समझ जाएगा हमारा चैट बॉट। यस यस, तो आप सही कह रहे हैं, अगर लिस्ट में चीप दिखाना कोई मुनासिब चीज है। लेकिन यहाँ पे रखना मुनासिब है क्योंकि वरना कोई कहे और हमने वो ये नहीं कवर की तो बैड एक्सपीरियंस। अच्छा और बताएं जरा इकोनॉमी रूम को क्या बोल सकता है बंदा और इसके अलावा? लो बजट बेसिक रूम, नुमान भाई बता रहे हैं। अच्छा मेरा ख्याल है हमने काफी सिनोनिम्स बना लिए हैं इसके। ट्रू, ठीक है जी, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये मेरी खुद की टाइप तैयार हो गई है राइट, जहां पे लिस्ट में मेरे पास अमेज़न की जो बिल्ट इन टाइप्स आ रही थी वहां पे अब मुझे ये टाइप भी नजर आ जानी चाहिए जिसका मैंने नाम रखा है रूम टाइप्स। तो मैं वापस अपने बुक रूम वाले इंटेंट में चला जाता हूँ, ठीक है? वापस मूव कर रहा हूँ मैं बुक रूम वाले इंटेंट में। अब यहाँ पे मुझे क्या सेलेक्ट करना है? रूम टाइप। असल में मैंने अपने स्लॉट का नाम और अपने स्लॉट टाइप का नाम मैंने सेम रख दिया है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्लॉट का नाम है और ये स्लॉट टाइप का नाम है राइट। दोनों का मैंने सेम नाम रखा है लेकिन ये दोनों मतलब अलग अलग मैंने बनाया है, जो मैंने बनाया है वो इस लिस्ट में मेरे पास आ रहा है, ठीक है? अब आप नोट कीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कस्टम स्लॉट टाइप्स, उसमें एक ही टाइप आ रही है सब जो मैंने अभी अभी बनाई है। उसके बाद आ रही है बिल्ट इन स्लॉट टाइप्स, बिल्ट इन में बहुत सारी आ रही है, ठीक है? तो कस्टम में जो एक है ना मैं वो सेलेक्ट कर लूंगा जो मैंने अभी अभी बनाया है। अच्छा अगर कोई बंदा रूम टाइप ना बताए, ठीक है, बंदा इंटेंट में आता है और वो रूम टाइप का जिक्र नहीं करता है अगर, तो उससे मैं सवाल पूछूंगा फिर, ठीक है? पहले मैं ये कहूंगा कि मेरे पास ये जो वैल्यू है ये रिक्वायर्ड है कि रूम की टाइप मुझे लाजमी चाहिए, उसके बगैर काम नहीं होगा मेरा, ठीक है? तो अलेक्सा पलट के क्या पूछे कि व्हाट टाइप ऑफ रूम वुड यू लाइक टू बुक लाइक टू रिजर्व और पर्सन, ठीक है? जो भी उसने नंबर ऑफ पीपल बोला होगा ना वो यहाँ पे आ रहा होगा, अगर उसने फोर बोला है तो फोर आ रहा होगा, ठीक है? उसके बाद मैंने कहा वी हैव इकोनॉमी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एंड लग्जरी स्टैंडर्ड एंड Rooms. अच्छा ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन मेरे पास, ये वाली लाइन मेरे पास थ्रू आउट द जितने भी लिखूंगा ना मैं उसमें सेम रहेगी। मैं अलग अलग भी बता सकता हूँ लेकिन ये सेम रहेगी क्योंकि उससे यूजर कंफ्यूज ना हो बाद में। एक सवाल यहाँ पे, अगर मेरे पास यू नो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक्चुअल फंक्शन यू नो मतलब एक्चुअल ऐप बन रहा है किसी होटल बुकिंग का और मेरे पास अब इकोनॉमी या स्टैंडर्ड रूम्स की अवेलेबल नहीं है, फिर लग्जरी रूम सारे बुक आउट हो चुके हैं, तो मैं यहाँ से ये हटा सकता हूँ? लाइक यू नो हाउ कैन आई मेक इट समथिंग व्हिच इज डायनामिक, हाउ कैन यू मेक दिस डायनामिक, दिस इज व्हाट, यस 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 दैट्स व्हाट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, ये हम होपफुली इसी कोर्स में हम ये चीज कवर करेंगे, ठीक है? जब हम ये डेलीगेट्स पढ़ेंगे ना डेलीगेट्स, अच्छा समझ आ जाएगी हमें। ओके कूल कूल कूल, तो मतलब हम ये पढ़ेंगे, सही, ये पॉसिबल है, ठीक है? उसमें क्या होगा कि बंदा जब बोलेगा ना बुक अ रूम तो रिक्वेस्ट डायरेक्ट कोड में जाएगी, मैं कोड में से डेटाबेस में से चेक करके बताऊंगा कि क्या है नहीं है, सही है? वो डेलीगेट में चीज हम पढ़ लेंगे। सही सर, ये जो हम स्लॉट फिलिंग कर रहे हैं तो ये जो एक स्लॉट चलेगी उसके मुताबिक ये वाली क्वेश्चन होंगे या ये टोटली सबके ग्लोबल सबके होगा?
नहीं, ये इस क्वेश्चन को लेकर ना तीन, ये मैं तीन इसको जो सवाल बता रहा हूँ, ये तीनों में से रैंडमली कोई एक उठा के सवाल पूछेगा सामने वाले से, ठीक है? एक इसी से स्लॉट स्लॉट से रिलेटेड एक सवाल, वो हमने कोड बेस में जो स्लॉट्स की मेथड कल इस्तेमाल की थी, वो उस सिर्फ इंटेंट की स्लॉट्स को हमें लेके आता है, राइट? नॉट ऑल द स्लॉट्स इन दैट पर्टिकुलर स्केल, करेक्ट? ऑल द स्लॉट्स इन ऑल दैट। द स्लॉट्स लेके आता अभी इसीलिए है। मैं अच्छा, ऐसा इंटेंट बना रहा हूँ जिसमें एक से ज्यादा स्लॉट हो, राइट? क्योंकि गॉट इट गॉट इट गॉट वैसे जस्ट वन स्लॉट था तो हमें वो वाली फीलिंग नहीं आई, तो अभी हम ये सही। बना रहे हैं जिसमें तकरीबन तीन या चार स्लॉट है, तो उसको जब हम गेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो सारी स्लॉट्स हैं वो कैसे हमें मिल रहे होते हैं वहां पे। आई टोटली फील यू। ओके, कूल, अच्छा, थैंक्स। फॉर आई वांट वीआईपी रूम, ठीक है? अब इस वीआईपी के अंदर क्या है, मेरा वीआईपी जो है रूम टाइप है, ठीक है? प्लीज बुक मी बजट रूम, ठीक है? गिव मी स्टैंडर्ड रूम, Give me a and give me the गिव room type. स्टैंडर्ड रूम, ओके ओके, जस्ट स्टैंडर्ड रूम, किसी ने अगर जस्ट Yeah. रूम बोल दिया, ठीक है? या उसने कहा कि स्टैंडर्ड रूम, ठीक है? इसमें काफी सारे बन रहे हैं हमारे पास। स्टैंडर्ड यार इसको एक और भी बोलते हैं, स्वीट, ठीक है? लग्जरी स्वीट, सही क्या ना? ये एक एक प्रेसिडेंशियल स्वीट होता है, एक लग्जरी स्वीट होता है। ओके, मेरा ख्याल है सही हो गया ये, ठीक। अच्छा, ये हम जितना भी सोच लेना, ये स्टिल यूजर कुछ नया बोलेगा सामने से, ठीक है? ये अजम्पशन हमने रखनी होती है, और वो हम कब करेंगे, वो हमें हिस्ट्री में मेंटेन होता रहेगा इस जगह पर, राइट? तो वो हिस्ट्री में मेंटेन होता रहेगा, हम रेगुलरली आते हैं और देखते हैं यूजर ने ऐसा क्या नया बोला और उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो हमारा उससे काम बन जाता है। मैंने कहा जी सेव मॉडल। अच्छा, अब मुझे एक बात और पूछनी है। प्लीज टेल मी द डेट ऑफ अराइवल, ठीक है? कि कब आ रहे हैं आप रूम में, कि ये हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम किसी खास होटल के लिए ये ऐप बना रहे हैं, इमेजिन ये कर रहे हैं हम, तो उस होटल वाला बंदा पूछ रहा है कि आप कब आ रहे हैं हमारे पास, कब से बुकिंग करूं आपकी। अच्छा, तो मैंने कहा कि अराइवल डेट, ठीक है जी? अराइवल डेट में अब मुझे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, अमेजोन डॉट डेट, ठीक है? पहले से बना हुआ है तो हमने उसको इस्तेमाल कर लिया, अमेजोन डॉट डेट करेगा। मैंने कहा भाई ये स्लॉट रिक्वायर्ड है, अगर बंदा ना बताए तो अलेक्सा क्या पूछेगा, व्हाट इज योर अराइवल डेट, व्हेन यू आर कमिंग इन आवर होटल, ठीक है? प्लीज टेल मी योर चेक इन डेट, ठीक है? प्लीज टेल मी अ डेट। सर, इसने कोई एक ही जुमला बोलना है तो हम इतने सारे क्यों लिख रहे हैं? असल में ये हम इतने सारे जुमले इसलिए लिख रहे हैं कि इनमें से ना रैंडमली कोई ये एक चीज को सेलेक्ट करेगा, राइट? अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर पहली दफा में आया और इसने कहा कि भाई व्हाट इज योर अराइवल डेट, राइट? इसने ये बोला अलेक्सा ने, लेकिन बंदे को वो समझ में नहीं आया, ठीक है? बंदे को वो बात समझ में नहीं आई, तो बंदे ने पलट के उसको बोला व्हाट, या कोई भी बात बोली, या कोई भी ऐसी बात जो डेट के अलावा कुछ भी बोला बंदे को, तो वो अगली दफा में ना वो ये वाली बात नहीं बोलेगा, वो कोई दूसरी बात बोलेगा, ठीक सही। है? तो हो सकता है बंदे को अराइवल समझ में ना आया हो लेकिन उसको चेक इन समझ में आ जाए। एक तो रीजन ये है कि उसमें ना डाइवर्सिटी हो जाती है, हर तरह के लोग आपसे बात करेंगे तो वो अलग अलग अंदाज में उससे पूछता है, तो अगर एक दफा में समझ में नहीं आया तो अगली दफा में समझ आ जाए। नंबर दो बात ये कि जब सेम तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना अगर हर दफा, अगर हमारा चैट बॉट,
तो उससे ना थोड़ी मशीन वाली फीलिंग आ रही है ना, आती है, ऐसा बंदे को लगता है कि यार मैं पत्थर से अपना सर टकरा रहा हूँ, राइट? कभी सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर से जब इंटरेक्ट करते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या, मैं पत्थर से अपना सर टकरा रहा हूँ, इसको मैं कुछ भी बोल रहा हूँ इसको समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक है, और वो हर दफा एक ही बात पूछे जा रहा है पूछे जा रहा है, कई दफा होता है, तो उस तरह का जो एक एंजाइटी होता है ना, उससे भी हमारा यूजर बच जाता है, उसका बेहतर यूजर एक्सपीरियंस होता है अगर हम हर दफा उसको अलग अंदाज में बताएं। मिसाल के तौर पे अगर वेदर पूछ रहा है बंदा, ठीक है, तो आप वेदर उसको, वेदर वो दिन में एक दफा पूछेगा, दो दफा पूछेगा, चार दफा पूछेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, तो अगर आप किसी दफा में उसको आप कोई अलग अंदाज में बता देना तो बंदे के लिए थोड़ा सा इंटरटेनिंग होता है। लेकिन अब इसमें भी एक ख्याल रखना होता है कि क्या चीज आपको बदल बदल के बतानी है और क्या चीज आपको हर दफा एक तरह से बतानी है, ठीक है। अब इसकी इस ये कैसे पता चलेगा कि क्या चीज आपको बदल बदल के बतानी है और क्या चीज आपको एक ही दफा में बतानी है? वो चीज जो बंदा उजलत में पूछेगा, उजलत समझ रहे हो, मतलब कहीं जी मतलब सर, तफरी के का माहौल, जल्दी से उस वक्त अगर बंदा पूछेगा तो वो ना आपको बदल बदल के नहीं बताना है, वो आपको हमेशा एक तरह से बताना है, ठीक है। सही। अच्छा, ऐसा सवाल जो बंदा बोरियत के टाइम पे पूछेगा यार, कि वो बोर हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको उसको बदल बदल के रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। अब ये एक साइंस है कि कौन सा सवाल बंदा कब पूछेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। होपफुली कि बंदा जब ये होटल की बुकिंग कर रहा है ना तो वो इतना ज्यादा बिजी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन वगैरह बुकिंग ये चीजें बंदा, मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रात को बैठ के करता हूँ, ठीक है, अगर मतलब दिन विन में नहीं करता, मैं दिन में सारे काम धंधे मतलब रात को लैपटॉप खोल के आराम से बैठ के ये बुकिंग बुकिंग करता हूँ, आइटनरी बना रहा होता हूँ। तो अच्छा, फिर इसी तरह कोई ऐसी चीज जो उजलत में बंदा पूछता है, उसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं। है किसी के जहन में एग्जाम्पल की ऐसी सर, कौन जैसे कि वो मैप पर हम वो जो डेस्टिनेशन देखते हैं, कभी रोड पर देख रहा होता है बंदा, नहीं, फूड की एप्लीकेशन में कोई ऐसी बात होगी जो उजलत में पूछेगा बंदा, फूड की एप्लीकेशन या होटल की एप्लीकेशन में कोई ऐसी बात हो सकती है जो बंदा उजलत में पूछे? खैर, इस तरह की तो कोई चीज अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन ये I don't understand the question. देखें, असल में क्या होता है ना कि जो चीज बंदा ना उजलत में पूछ रहा होता है, ठीक है, उजलत नहीं समझ आया। उजलत मतलब वो अफरा तफरी है, कुछ 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 इम्पोर्टेंट काम के दरमियान में है और उसको वो चीज जरूरत पड़ गई, राइट, अफरा तफरी नहीं समझ आया। मसरूफियत, ज्यादा मसरूफियत, जब जैसे जहनी तौर पर मैं जब बंदा मसरूफ होता give me an English word. है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, आप समझ जाएंगे, बल्कि इंग्लिश वर्ड भी आप बताइएगा। मिसाल के तौर पे बंदा ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, वो अपनी आंखें नहीं हटा सकता यहाँ से, ठीक है, वो बोलेगा कि मुझे फला टूल दो, उस टूल का नाम बोलेगा वो, राइट, और उस टूल मिलना चाहिए, उसके हाथ में मिलना चाहिए, वो अपनी आंखें नहीं हटा सकता, वो इधर नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन है ना, अगर ऐसी सिचुएशन में वो कोई बात पूछ रहा है, ठीक है, तो आप अगर घुमा घुमा के बताएंगे ना तो वो उसकी तवज्जो हटेगी वहां से, ठीक सही सही है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं स्टॉक मार्केट का रेट पूछ रहा हूँ, ठीक है, सही मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं कहीं पे बैट लगा के बैठा हुआ हूँ उस रेट पे और मैं वो पूछ रहा सही हूँ, तो मुझे ना सही उसको हर बार ऐसे नहीं बताना कि जैसे मैंने कहा कि इन फला फला कंपनी स्टॉक रेट इज इतने इतने, तो राइट राइट सो यू हैव टू बी सक्सिंक्ट हमेशा सो यू इसको हैव टू बी पैटर्न में सक्सिंक्ट बनाना है, हमेशा एक राइट पैटर्न में बताने से फायदा ये होगा कि उसको ना बंदे को सुनने की आदत हो जाएगी एक ही पैटर्न पे, तो उसको फौरन समझ, राइट राइट और वो कोई एंटरटेनमेंट के मूड में है नहीं, वो कि वो ना मतलब राइट बोर हो रहा है तो वो खेले, बार बार पूछे उससे अलग अलग, उसको चीज मिले तो वो एंटरटेन हो, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। तो इस तरह की ऐप होती है, इसको हम इस तरह के हालात को हम कहते हैं अफरा तफरी का माहौल, ठीक है, इसका इंग्लिश भी प्लीज बताइए चलिए क्या होगा। सो लाइक ये आई वुड से कि ये यू नो दिस इज यू नीड टू बी सक्सिंक्ट बिकॉज़ दिस इज यू नीड स्पोरैडिक इंफॉर्मेशन, यू डोंट नीड एंटरटेनमेंट लाइक यू करेक्टली सेड, कोई एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड लाइक टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन, सो टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन में को टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन, तो जहां पे जो सीरियस किस्म की यूज केसेस हैं उसमें टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन देनी होती है, उसमें फिर मैं ये हरकत नहीं कर सकता कि बदल बदल के मैं सवाल पूछ रहा हूँ और बदल बदल के मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा एक और भी इसका सुन लें स्पेसिफिकेशन, ऐसी ऐप जो आपको लगता है कि बंदा जिंदगी में एक दफा ही इस्तेमाल करेगा, उसमें आपको ना ये बदल बदल के पूछना पड़ता है, ठीक है, ये काफी यूजफुल रहता है उसमें। मिसाल के तौर पे टिकट बुक कर रहा है बंदा, 6 महीने में साल में एक दफा वेकेशंस पे जाता है तो टिकट बुक करता है, तो उसमें ना आपको वेरिएशन हेल्प आउट करने के लिए ना बंदे को बदल बदल के पूछना पड़ेगा। अच्छा कुछ ऐसी एप्स होती हैं जो बंदा दिन में ना 6 दफा 8 दफा 10 दफा यूज करता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा स्टॉक की ऐप यूज कर रहा है वॉइस पे, तो वो लैपटॉप पे बैठा हुआ है, उसका काम ही पूरा दिन यही है, वो बार बार पूछेगा उसको, ठीक है। तो बार बार अगर कोई यूज होगी ना ऐप, तो उसमें भी आपको ना बदल बदल के नहीं बताना, हमेशा एक पैटर्न होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर पिज्जा ऑर्डर करने की ऐप है, ठीक है, तो पिज्जा ऑर्डर करने की ऐप भी ना बंदा दिन में 6 दफा पिज्जा ऑर्डर नहीं कर सकता, दिन में एक दफा ही करेगा वो, ठीक है। तो उसमें भी हम बदल, अब ये कहीं ना कहीं एक लकीर है, जहां पे ना आपको लकीर के उस पार आपको बदल बदल के नहीं बताना, और लकीर के इस पार आपको बदल बदल के हेल्प आउट करना है बंदे को, ठीक है। ये अब केस टू केस डिपेंड करेगा, केस टू केस वेरी करेगा ये। ओके सर, अच्छा जी, प्लीज टेल मी व्हेन यू आर कमिंग। अच्छा बंदा कैसे बताएगा पलट के, आई एम कमिंग टुडे, राइट। और इसमें टुडे में क्या है, मेरा टुडे में मेरा ये अराइवल डेट है, आई विल बी देयर, ठीक है, टुमोरो। और ये टुमोरो मेरा क्या है, टुमोरो मेरा जो है वो अराइवल डेट है, ठीक है। अच्छा या बंदा अगर सिर्फ बोलता है कि भाई 10th of January, तो अराइवल डेट सिर्फ, ठीक है, 10th of January, तो वो भी अराइवल डेट हो जाएगा, ठीक है। और माई चेक इन डेट इज 12th of January, ठीक है, लाइक दिस, ये हो गया। तो हमने ये बता दिया कि बंदा कैसे कैसे करके उसका जवाब दे सकता है, ठीक है, सेव मॉडल। अच्छा अब हम सेम चीज कर लेते हैं चेकआउट डेट के लिए, ठीक है, चेकआउट। तो टोटल हमारे पास 4 हो जाएंगे, इसमें भी मैं डेट ले रहा हूँगा, ठीक है, और एडिट डायलॉग्स में जाकर मैं कहता हूँ कि ये रिक्वायर्ड है, और मैंने पूछा कि व्हेन यू विल चेकआउट, ठीक है। नहीं, इसके लिए मेरे ख्याल है मुझे चेकआउट डेट नहीं पूछना चाहिए, मुझे ये पूछना चाहिए फॉर हाउ मेनी डेज यू, फॉर हाउ मेनी डेज ये पूछना चाहिए ना मुझे, तो ड्यूरेशन होगा ये एक्चुअली, ठीक है। तो ड्यूरेशन आई थिंक ज्यादा बेहतर रहेगा वॉइस में, वैसे तो अगर डेट बता दे बंदा तो भी सही है, लेकिन वॉइस में ना ड्यूरेशन ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। ड्यूरेशन में मैं बोल सकता हूँ कि 3 डे, 4 डे, ठीक है, 5 मिनट, 10 मिनट, ये ड्यूरेशन है सारी। तो फॉर हाउ, इसमें मैं सवाल पूछूंगा फॉर हाउ मेनी डेज यू विल स्टेइंग, फॉर हाउ मेनी डेज यू विल बी स्टेइंग इन आवर होटल, फॉर हाउ मैनी डेज वुड यू लाइक टू स्टे, बुक होटल फॉर हाउ मैनी डेज, ठीक है। अब इसमें मैं ना इसके दरमियान में मैं वो भी लगा सकता हूँ कि ओके फॉर 3 people, ठीक है, ओके फॉर 3 people, ऑर्डिनरी रूम फॉर 3 people, ऐसे करके बोलूंगा ना मैं, ठीक
ठीक है, रूम टाइप ऑर्डिनरी रूम फॉर थ्री पीपल, ओके के बाद का फॉर हटाना पड़ेगा। ओके, ऑर्डिनरी रूम, रूम भी लगाना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रूम फॉर थ्री पीपल, मिसाल के तौर पे थ्री पीपल भी लगाना पड़ेगा। पीपल, हाउ मेनी डेज, ठीक है। अब इस सवाल पे एलेक्सा ऐसे बोलेगी, ओके ऑर्डिनरी रूम फॉर थ्री पीपल हाउ मेनी डेज, ऐसे करके। तो ऐसे भी एक सवाल हम बना देते हैं। अब इसमें जितना ज्यादा आप डाइवर्सिटी लाना चाहें आप ला सकते हैं, ठीक है। अभी हम लेकिन यहीं पे रोक देंगे इसको। अच्छा, अब यूजर किस तरह बोलेगा, यूजर बोलेगा फॉर थ्री डेज। अब ये जो थ्री डे है ये मेरा क्या है, चेकआउट डेट है। अच्छा, डेट भी नहीं होगा ये, इसको भी मैं बाहर जाके वापस सेव करता हूँ, उसको मैं चेंज करता हूँ, ड्यूरेशन होगा, ठीक है। इसको मैं डेट को क्या इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, हाँ ड्यूरेशन होगा ये, ठीक है। उसने स्लॉट टाइप चेंज कर लिया खुद ब खुद, अमेज़न ड्यूरेशन। नहीं, मैंने ये इसको रीनेम करा है, नहीं अच्छा नहीं, स्लॉट टाइप की मैं बात कर रहा था, वो हमने पहले ही अमेज़न ड्यूरेशन दिया था या। नहीं, हाँ पहले से अच्छा किया। ओके फॉर 3 डेज, तो अब ये 3 डेज हमारा क्या है, ये हमारा है चेकआउट, नहीं ड्यूरेशन, इसका चेकआउट ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए सिर्फ ड्यूरेशन। हाँ सिर्फ ड्यूरेशन होना चाहिए। सिर्फ ड्यूरेशन होना चाहिए इसका नाम, करेक्ट, और 3 डेज, ठीक है। और ये 3 डेज हमारा है ड्यूरेशन। आई विल बी स्टेइंग फॉर 3 डेज, 3 डेज पूरा ड्यूरेशन एक्चुअली, हाँ ठीक थ्री डेज थ्री नाइट्स दोनों आ सकता है। है। और मैंने क्या कहा, और इसके अलावा बुक अ रूम फॉर डैश फॉर ड्यूरेशन। बुक रूम फॉर 3 डेज, बुक रूम टाइप फॉर ड्यूरेशन। नहीं रूम टाइप अगर बंदा दोबारा भी बोलता है ना तो वो उसको कंसिडर नहीं करेगा। सही, क्या मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ रूम टाइप, तो ये वाला मैंने कभी भी करके ट्राई नहीं किया जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये मैंने कभी करके ट्राई नहीं किया। ड्यूरेशन बोलेगा बंदा, ठीक है, इसका भी बिहेवियर पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से वो ये हो सकता है कि अटरेंस का कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। नहीं अटेरेंस का कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, असल में ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, ये हम कर सकते हैं, लेकिन रूम टाइप ना मैंने पहले पूछा हुआ है, राइट, मैंने रूम सही सही पहले पूछ लिया है, तो असल में ये जो सही सीक्वेंस है ना, जिस सीक्वेंस में वो है वो उसी सीक्वेंस सही में उसका पूछेगा, तो जब इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो रूम टाइप ऑलरेडी हम क्या कर चुके होंगे, इनपुट ले ले चुके, चुके हो, तो यहाँ पे मुझे ये सही लगाने का फायदा नहीं है। हाँ मुझे सही बात, ये था, अगर मैंने ये करना है तो मैं शुरू वाले इंटेंट में इस तरह के एड्रेंसेस लिख सकता था जिसमें आगे तक मैं इनपुट ले लेता, तो सही सही उसका मुझे बेनिफिट रहता, तो इसको हटा देता हूँ मैं। जी सही बात। सर जिस तरह हम ड्यूरेशन को इस तरह इस फॉर्मेशन में कर रहे हैं तो इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं? ये देखो ये ना स्लॉट टाइप्स हैं, राइट, ये स्लॉट की टाइप्स हैं जो सही, अमेज़न ने आपको पहले से बना के दी हुई है, ठीक है। दिस इज अच्छा, जाता जब ये आपके कोडिंग में है तो वो ऑब्जेक्ट की सूरत में ही पहुंचता है वहां पे, राइट, सही, ऑब्जेक्ट ठीक, की तरह ही आपको दिख रहा होता है वो, लेकिन इसको मैं ऑब्जेक्ट नहीं कहूंगा, ये स्लॉट्स हैं, ठीक है। अब ओके, स्लॉट की पूरी अपनी एक डेफिनेशन है जो जो हम देख चुके हैं पहले कि स्लॉट की क्या डेफिनेशन है। अच्छा, इसको मैंने सेव कर दिया और बिल्ड मॉडल भी प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक आखिरी चीज और इसमें करनी पड़ेगी बिल्ड करने से पहले, कि अगर किसी बंदे ने आके डायरेक्टली ये बोल दिया ना कि भाई बुक अ रूम फॉर 3 डेज,
तो ये उसको ना 3 डेज को समझेगा नहीं, क्योंकि शुरू की एंट्रेंसेस में वो 3 डेज मैंने रखा हुआ ही नहीं है, तो मुझे ये चीजें भी ऐड करनी पड़ेंगी। बुक रूम फॉर 3 डेज, तो अब मेरा जो 3 डेज है ये ड्यूरेशन है, तो मैंने एंटर कर दिया कि अगर डायरेक्टली कोई आके ड्यूरेशन कहता है तो वो भी समझो, ठीक है। आई नीड अ रूम फॉर 3 डेज, अगर हम इसमें स्टैंडर्ड भी लिख दें, मतलब कि टाइप भी अगर लिखने पड़ेंगे, हम जो जो चाहते हैं कि वो डायरेक्टली डिटेक्ट करे सब लिखने पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने ड्यूरेशन तो चलो लिख दिया, लेकिन अगर कोई बंदा आके कहता है गिव मी अ वीआईपी रूम, तो ये उसको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, वो पूरा पूछेगा कि भाई कौन सी टाइप चाहिए आपको ना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि बुक मी, तो ये हमें किसी स्लॉट में लिखना होगा ये, या नहीं नहीं ये एंट्रेंसेस में ही लिखना पड़ेगा। अब वीआईपी जो है मेरा वो क्या है, वो मेरी रूम की टाइप है, ठीक है, आ जाएगा। उसके अलावा मैंने क्या पूछा है, बस मेरे ख्याल है ये 2 चीजें अगर डायरेक्टली बोलता है बंदा तो उसको सुन लेना चाहिए, बाकी डेट वगैरह तो बाद में ही पूछे तो ज्यादा सही है, राइट। ओके, बुक होटल फॉर, बुक होटल फॉर दिस मेनी पीपल फॉर दिस मेनी डेज, बुक रूम फॉर 3 पीपल, हाँ ये भी तो हो सकता है, करेक्ट करेक्ट, 3 for 3 days, 3 people, ठीक है, बुक रूम फॉर 3 people, ये भी उसको समझना चाहिए शुरू में अगर कोई बोलता है तो। और लाइक यू नो द टाइप ऑफ रूम, नंबर ऑफ पीपल एंड रूम टाइप एक ही फ्रेज में, एग्जैक्टली तीनों चीज एक ही फ्रेज में, करेक्टली, बिल्कुल करेक्ट आपने कहा। अच्छा, बुक रूम फॉर a book a standard room, yes, book a book room type, yeah, book a standard room for three number of people and then people, 3 people for 3 days, exactly for duration, for duration, perfect हो गया, ठीक है। तो हमने काफी अच्छा सा एक इंटेंट बना लिया। अच्छा, आपने नोट किया कि जब हमारे पास सिर्फ एक पैरामीटर था तो हमारा काम थोड़ा सा छोटा सा था, शॉर्ट सा, जैसे हमारे पास पैरामीटर्स बढ़े और 4 पैरामीटर्स हुए तो आप देखें कि हमने काफी डाइवर्सिटी अपने इंटेंट में रखने की कोशिश की, लेकिन स्टिल काफी रूम अवेलेबल है डाइवर्सिटी के लिए, राइट। इसमें हम जितने और भी, क्योंकि मतलब 3 इनपुट के साथ मैं तकरीबन 5-6 इसमें सेंटेंसेस ऐड कर सकता हूँ अभी भी, जो मैंने नहीं किया अभी तक, कर सकता हूँ मैं। तो आपने नोट किया कि जैसे जैसे मेरा ये पैरामीटर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरे जो इंटेंट की जो डाइवर्सिटी है, या यूं कहें कि मेरे इंटेंट को जो मुझे ट्रेनिंग दे, कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी कहेंगे एग्जैक्टली, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो हम इसको फिलहाल लेकिन इतने पे ही स्टॉप करते हैं, और ये चारों डेटा लेकर हम चारों को अपनी कोडिंग में प्रिंट करवा देते हैं जस्ट आज की डेट में, क्योंकि टाइम है हमारा हो गया, हम 10 मिनट थोड़े ऊपर आ गए। तो मैंने कहा सेव और मैंने कहा बिल्ड, और हम वेट करते हैं थोड़ी देर बिल्ड मॉडल के लिए। अच्छा, हम कोडिंग, अच्छा कोडिंग में मुझे सबसे पहले बुक रूम के लिए जो है एक नया फंक्शन रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मैं इन्हीं में से एक की कॉपी बनाता हूँ और उसको नीचे कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, और ये होगा मेरा बुक रूम का इंटेंट, ठीक है। मैंने इसको कह दिया कि अब नाम क्या होगा जनाब आपका, बुक रूम इंटेंट हैंडलर, ठीक है, बुक रूम इंटेंट हैंडलर, इंटेंट का नाम है बुक रूम, ठीक है जी। और ये स्पीक आउट जो है मैं क्या कर दूंगा, अब चेंज कर दूंगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दिस इंटेंट। अच्छा, और इस फंक्शन को मुझे नीचे क्या करना पड़ेगा, पास आउट भी करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। जितने सारे फंक्शन है उसके शुरू में भी ऐड कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, ये सारे फंक्शन है,
कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरू में कर दें या लास्ट में कर दें। अच्छा जी, अब मैं बुक रूम इंटेंट हैंडलर में दोबारा जरा चलता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, इसके सारे स्लॉट्स को गेट करने की कोशिश करता हूँ। स्लॉट किस तरह गेट होगा? सेम उसी तरह गेट होगा जिस तरह हमने एक स्लॉट गेट किया था, उसी तरह मैं सारे स्लॉट गेट कर सकता हूँ। अच्छा, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, स्पीक आउट कुछ भी बोलने से पहले, सबसे पहले मैं स्लॉट को गेट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्लॉट्स जो है इसमें सारे स्लॉट आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है, स्लॉट्स में मेरे पास सारे स्लॉट आ जाएंगे। अच्छा, मेरे पास सबसे पहला स्लॉट क्या है? सबसे पहला स्लॉट है मेरे पास नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो मैं इसको नंबर ऑफ पीपल को कॉपी करूंगा। एक यहाँ पे सवाल, जो लाइन 106 पे लिखा हुआ है, ठीक है, 106 पे, हाँ, सो ये जो है, ये हम लोग एसेंशियली इस इंटेंट के स्लॉट्स को सिर्फ ले रहे हैं, सही है? इस इंटेंट, नॉट हाँ, नॉट अक्रॉस ऑल इंटेंट्स, नॉट ऑल स्लॉट्स अक्रॉस ऑल इंटेंट्स, ओनली द इंटेंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लॉट, यस, ओके। ये मेरा पहला सवाल, तभी मैंने वो सवाल पूछा, तो आई गॉट दैट आंसर, थैंक्स। इसको आपको कैसे समझना चाहिए कि ये जो स्लॉट निकाला जा रहा है, ये इनपुट हैंडलर में से निकाला जा रहा है, ठीक है, सही। वो भी बंदे ने अभी बोला है, उसमें से जो रिक्वेस्ट का एनवलप है, रिक्वेस्ट एनवलप होता है कि बंदे ने जो भी मुंह से अपने निकाला है वो इस रिक्वेस्ट एनवलप में जा रहा होता है, ठीक है। डॉट इंटेंट के इस इंटेंट के स्लॉट्स सारे, सही, चार स्लॉट है तो चारों इसमें आ रहे होंगे, सही। लेकिन अगर दूसरे किसी इंटेंट के स्लॉट्स चाहिए होंगे तो वो ऐसे नहीं आएंगे, वो किसी और तरीके से। वेदर का अगर स्लॉट है तो वो यहाँ मिलेगा, ठीक है, सही। वो एक्सपीरियंस का है तो वो यहाँ मिलेगा, सही सही, थैंक यू। अच्छा, नंबर ऑफ पीपल मैंने निकाल लिया, दूसरा है मेरे पास, ठीक है जी, रूम टाइप, अच्छा मुझे ना वो करने से बड़ा फायदा हुआ है, जो लोगों की ईमेल्स मैंने ना डायरेक्टली ऐड कर दी है। अच्छा सलील, आपने नोट किया है मेरे पास कोई 40 मिनट की ना लिमिट नहीं आ रही गूगल मीट में यार, हालांकि मैंने कुछ भी एडिशनल नहीं किया, मतलब जस्ट मैंने नॉर्मली सेटअप किया है। मैं यही बता रहा हूँ ना, हमने वही, मैं यही सोच रहा हूँ कि ये हुआ क्यों होगा, ये अब नॉर्थ अमेरिका में इन्होंने काफी सारे लाइक अब जीमेल पेड कर दिया हम लोगों के लिए, पता है, जीमेल पेड, हाँ, अब जीमेल पेड है, एक जीबी लिमिट हो गया, उसके ऊपर आपको पैसे भरो वरना जीमेल आपका पुराना वाला भी सब डिलीट कर देंगे हम। सो एसेंशियली सारे पैसे ऐटना इन्होंने शुरू कर लिया, सो मीट के लिए भी वही सीन कर दिया इन्होंने कि आप गूगल वर्कस्पेस इंडिविजुअल ले लो तभी इस्तेमाल कर पाओगे 40 मिनट से ऊपर, वरना पैसे दो। सो एसेंशियली ये टैक्स है, फर्स्ट, ये फर्स्ट वर्ल्ड टैक्स है कि आप अगर फर्स्ट वर्ल्ड में रहते हो तो ये टैक्स भरो, व्हिच मेक्स सेंस, आई मीन लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट इट, I would rather कि जहाँ पे you know technology ज़्यादा मदद करती है वहाँ पे free रहे, so arrival date मैंने double कर दिया इसलिए वो error दिखा रहा था, सही। अच्छा, तो ये चारों intent को मैंने just यहाँ पर print करवा दिया, right? अच्छा, यहाँ पे इसको print करवाने के बाद जो अगला काम होगा मेरा वो क्या होगा कि इसको मैं database में feed करूँगा, right? वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में कोशिश करेंगे वो करने की, हम MongoDB का डेटाबेस कनेक्ट करेंगे यहाँ से और उसको फिर हम फीड करेंगे MongoDB के डेटाबेस में। अभी जस्ट हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे इन चारों को प्रिंट करेंगे और हम यहाँ पे आएंगे और उसको बताएंगे कि भाई योर होटल बुकिंग इज कंप्लीटेड, ठीक है। इतना मैं बोल के पहले उसको चलाकर देखता हूँ कि इन चारों में क्या क्या प्रिंट हो रहा है, राइट, और मैंने डिप्लॉय का बटन प्रेस किया, सर योर का आर रह गया, हाँ, अच्छा जी। और अब मैं आता हूं इसको टेस्ट करने के लिए, सर ये आर चेंज करने के बाद डिप्लॉयमेंट दोबारा करना जरूरी नहीं, मैंने किया नहीं है, मतलब वो मैटर नहीं कर रहा है इसलिए मैंने किया नहीं है, अभी वो यू ही रहेगा, अगली डिप्लॉयमेंट वो चला जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको कैसे टेस्ट करूंगा, मैं कहूंगा आस्क इंजमाम मलिक टू बुक अ रूम, हाउ मेनी पीपल डू यू वांट टू बुक फॉर,
वी आर थ्री पीपल. What type of room would you like to reserve for three person? We have economy, standard and luxury rooms. Please give me a standard room. Please tell me your check-in date. I'm coming tomorrow. Okay. Standard room for three people. How many days? I will be staying for 4 days. Your hotel booking is completed. ठीक है देखो यू ही आया है यहाँ पे मैंने deploy इसलिए नहीं किया था कि okay, हमारा time extra लगता. अच्छा अब मैं जाके console में देखता हूँ कि इन चारों जो मेरे inputs में है उनमें जाहिर है वो सीधी सीधी value तो नहीं आएगी, उसमें कुछ ना कुछ objects आएंगे उसमें, तो वो ऑब्जेक्ट किस तरह के हैं और कैसे करके वो दिख रहे हैं मुझे, मैं वो देखना चाहता हूँ. ठीक है जी, तो 22:13 इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि लेटेस्ट वाली स्ट्रीम आ जाए. ये रिफ्रेश लेटेस्ट वाली स्ट्रीम आ गई. अच्छा इसमें मेरे पास जो स्लॉट्स हैं ये मेरे पास ना सारे स्लॉट आए हैं. ठीक है आप नोट कीजिए ड्यूरेशन के अंदर क्या हुआ है, इसका नाम है ड्यूरेशन, ठीक है, वैल्यू है PD4 और कंफर्मेशन स्टेटस है नन. ठीक है अब ये PD4 वैल्यू इसको आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, इसके लिए आपको ना बिल्ट इन स्लॉट, मैंने जैसा ये शुरू में जिक्र किया था कि कोई आप में से ऐसा है जिसने तमाम बिल्ट इन स्लॉट्स को डिस्कवर कर लिया हो, ठीक है, तो अगर किसी ने डिस्कवर कर लिया उसको ये समझ आ गया होगा, अदरवाइज इसको हम डॉक्यूमेंटेशन में जाके डिस्कवर करेंगे कि PD4 अभी तो इसने दे दिया, इसके अलावा और क्या क्या ये दे सकता है और PD4 को समझेंगे कैसे ये है क्या चीज. ठीक है जी. अच्छा फिर नंबर ऑफ पीपल के अंदर नेम आ गया और वैल्यू आ गई 3. ठीक है सीधा सीधा हम 3 को उठा लेंगे. अच्छा रूम टाइप के अंदर स्टैंडर्ड बोला था मैंने, स्टैंडर्ड पता चल गया मुझे. ठीक है जी. और अराइवल डेट में मुझे पता चल गया, मैंने बोला था कि आई एम कमिंग टुमोरो, तो टुमोरो की जो भी डेट थी वो इसने मुझे डेट निकाल कर दे दी. ठीक है क्योंकि इसको मेरा टाइम जोन पता था कि मैं किस टाइम जोन से बात कर रहा हूँ. और आप अगर यहाँ पे देखें टेस्ट का जो कॉन्सोल है हमारा, तो सॉरी टेस्ट के कॉन्सोल में नहीं, ये बनाते वक्त पूछता है शायद टाइम जोन. ठीक है तो खैर यूजर का जो भी टाइम जोन होगा ना जहां पे वो डिवाइस रखी हुई होगी, क्योंकि जब ये डिवाइस रखी हुई होती है ना फिजिकल डिवाइस, तो इस डिवाइस के अंदर ना GPS भी लगा हुआ होता है, इसको डिवाइस को पता होता है कि मैं इस वक्त दुनिया के किस कोने में मौजूद हूँ. ठीक है तो वो उस हिसाब से टाइम जोन ऑटोमेटिकली सेट करके और ये मुझे ना यानी टुमोरो समझ जाएगा कि टुमोरो का क्या मतलब है, ये इन्होंने इंटरनली हैंडल किया हुआ है. अच्छा तो ये चारों चीजें मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ गई हैं. अब मेरा अगला काम ये है कि इस डेटा को मैंने डेटाबेस में फीड करना है. ठीक है अगला काम मेरा ये है, तो इंशाल्लाह वो हम अगली क्लास में करेंगे. और